ठीक है स्टार्ट करें ऑडिट ऑफ पी एस यू फटाफट करेंगे ऑलरेडी थोड़ा सा देख के आई हो तुम लोग तो है ना तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का बहुत ज्यादा मेन रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में इकोनॉमी में पहले तो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा था अभी थोड़ा प्राइवेटाइजेशन होते जा रहे है ना एल आई सी का भी अभी आईपीओ आने वाला है तो क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडिया आर फंडामेंटली गवर्मेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और पार्टली बायट्रल गांत ठीक है एंटरप्राइज आर इंडस्ट्री सप्लाइंग बेसिक इनपुट्स टू द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर कोल सच एज कोल कोल में सबसे बड़ा कौन है उत्पादन वाला कोल इंडिया लिमिटेड 80% उसी की मोनोपोली है गवर्नमेंट का पीएसयू है वो भी ठीक है कंपनी भी कोल इंडिया लिमिटेड ऑयल आईओसी स्टील में हर जगह पे देखोगे तो मिनरल्स मेटल सीमेंट केमिकल फर्टिलाइजर एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री को बेसिक पूरा का पूरा जो रॉ मेटेरियल सप्लायर सब में गवर्नमेंट की नवरत्न पीएसयू ये सब है, ही है. है ना एंड पब्लिक यूटिलिटीज लाइक द रेलवे आई पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज इलेक्ट्रिक जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई रोड अनदर क्लास ऑफ पब्लिक कुछ नहीं है, तो अपना रेलवे ऐसा हो गया रेलवे बोले तो जो डिपार्टमेंटली मैनेजरटेकिंग विच फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज डिपार्टमेंटली मैनेज एक्टिविटी है डिपार्टमेंट अलग से रेलवे डिपार्टमेंट अलग ही है पूरा ठीक है ना और दूसरा हो सकता है कॉर्पोरेशन स्टाइल में जो सेटअप है ऑलरेडी कॉर्पोरेट फॉर्म में सेटअप है है जैसे कि example, LIC, तीसरा वाला ठीक एक रेलवे समझो एक एल समझ लो और एक नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी तुम्हारी जो कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन अपने कंपनीज एक्ट like 2013 में वन थर्टी कंपनीज होती है ठीक है गवर्नमेंट कंपनीज एंड डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी ठीक है तो तीन टाइप की कैटेगरी कैटेगराइजेशन की ये लोग को एक तो रेलवे टाइप से डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग्स, दूसरा एलआईसी टाइप से कॉर्पोरेट फॉर्म में जो है ठीक है LIC का अलग से एक्ट है जैसे 1956 hai, वैसी LIC 1956 उसी के अंदर गवर्नमेंट <coughs> है, तो ये तीन कैटेगरी ऑफ गए देन फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट मैं आ जाऊं फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी दीस फोर्टी फाइव ऑफ सेक्शन टू ऑफ कंपनी होगी गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है कितना देखते या मोर मोर देन देन की इक्वल टू मोर देन इक्वल टू देखते हैं सब्सिडी में मोर देन देखते हैं सब्सिडी में मोर देन फिफ्टी परसेंट यहाँ पे मोर देन इक्वल टू देखते हैं फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय या तो सीजी या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सीजी एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट ठीक है एसएम में एक जगह दिया नहीं है यहाँ पे अमेंडमेंट गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में एक अमेंडमेंट है छोटा सा तुम लोग लिख लो इसको बाजू में लिख सकते हो तो ये वाला फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज पेड अप शेयर कैपिटल शेल बी कंस्ट्रूड एज टोटल वोटिंग पावर मतलब वो कंपनी डेफिनेशन के बाद ये वाला लाइन एक्सप्लेनेशन लिखना फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अप शेयर कैपिटल शेल बी कंस्ट्रूड बाजू में लिख लो एक्सप्लेनेशन अलग से हुआ हुआ है मेरा हुआ था, शेयर के शेयर भी वोटिंग पावर शेयर था। वोटिंग अगर अलग अलग वोटिंग राइट्स के शेयर इंक्लूडेड है तो टोटल वोटिंग पावर नॉर्मल मतलब कि जहां पे 51% और मोर पेड शेयर कैपिटल बोला है उसके जगह पर टोटल वोटिंग पावर भी देखेंगे अगर तुम्हारे जो शेयर कैपिटल इश्यूड है वो डिफरेंशियल वोटिंग वाले शेयर कैपिटल भी इश्यूड है तो ठीक है डेफिनेशन समझ गए अच्छे से बचपन से किए हुए डेफिनेशन तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हूं मैं एमसीक्यू ये वाला एमसीक्यू सॉल्व करना है एक सेकेंड ये वाला एमसी को सॉल्व करो गलती होने की फुल चांसेस है गलती नहीं हुई तो बेस्ट ठीक है ये वाला द ऑडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वुड बी अपॉइंटेड बाय सी एंड एजी ऑफ इंडिया मतलब कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है सीधा सीधा उसकी अपॉइंटमेंट सीएजी करती है ठीक है तो ये पहचानना है हैं से कौन कौन सी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड हुज 26.5% शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 24% शेयर्स आर हेल्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग बाय मिस्टर ए ठीक है होगी क्या 50.5 है तो 51 नहीं है तो नहीं होगी ठीक है बी लिमिटेड हुज 99% शेयर्स आर हेल्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट एंड 1% शेयर्स बाय

डी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ टेन थाउजेंड शेयर्स ऑफ विच फिफ्टी फिफ्टी शेयर मतलब की पांच हजार पचास शेयर दस हजार शेयर में से हेल्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी एंड रेस्ट बाय पब्लिक दस हजार शेयर में से तो लिख के रखो है कि नहीं है E Limited, whose decision making rights are exercised by a government company by virtue of terms and conditions of management contract and acts in accordance with its instructions. F Private Limited, whose BOD are appointed and removed by Maharashtra government. उसके of of, लिए अलग से पूरा एमसी तो में से तुम लोग लिख के रखो फिर मैं सही आंसर बताता हूँ आंसर तुम लोग के गलत आ रहे क्या है आंसर तुम लोग का b f और g c नहीं है c तो नहीं है क्यों नहीं है c क्योंकि 51% भी सेटिस्फाई नहीं हो रही ना ही सब्सिडरी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन कौन प्राइवेट लिमिटेड है f प्राइवेट लिमिटेड जिसकी बोर्ड आर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो क्या बोल रहे हो तुम लोग क्यों होगा लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है सिंपल है आंसर इसका बता रहा हूं सी है आंसर बी डी जी डी कैसे नहीं होगा भाई डी सिंपल है सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की दस हजार शेयर में से पचास पचास पांच हजार पचास शेयर कितना होता है हाँ सब्सिडरी की डेफिनेशन क्या होती है

अगर कंट्रोल है उसके पास कि तुम्हारे बोर्ड कंपोजिशन में अपना हक जता सके तो फिर सब्सिडरी होती है वो उस कंपनी की और ये गवर्नमेंट की सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होती तो मैं बोलता प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है यहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट बीओडी को कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट खुद कर रही है मोर देन फिफ्टी परसेंट है और गवर्नमेंट कंपनी केस में फिफ्टी वन परसेंट और मोर है

कि इन केस अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट है तो मैं पेड शेयर कैपिटल के, के बदले टोटल वोटिंग पावर देखूंगा और वोटिंग पावर के हिसाब से कितना हो रहा है 60 परसेंट यानी कि 51 परसेंट है उससे ज्यादा है तो बी ठीक है ये तुम लोग के उसमें देने ही वालों ऐसे भी टेस्ट में पी के वाले जो रहते हैं तो चिंता मत करो एमसीक्यू का ठीक है फिर आगे बढ़ते अपन डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन लिख लिया बाजू में डेफिनेशन आ गया अच्छे से समझ में पक्का ना अब इन इंडिया ऑडिट ऑफ अबव गवर्नमेंट कंपनीज परफॉर्म बाय इन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट इज सी एंड ए सी एंड ए करती है थ्रू आई ए ए डी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको आई ए ए डी के थ्रू करवाती है वो इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट एक अलग से गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहां पे पूरे ऑफिशियल्स <coughs> सी एंड जी को असिस्ट करते हैं ऑडिट में गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट में ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अ स्पेशल स्टेटस टू द सी एंड जी एंड कंटेन्स प्रोविजन टू सेव गार्ड इज इंडिपेंडेंस अब आर्टिकल्स में क्या क्या दिया हुआ है आर्टिकल उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स तो वहां पे सी एंड जी का रोज दिया हुआ है हर एक आर्टिकल में तो आर्टिकल 148 में दिया है कि सी एन डेजी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे स्पेशल प्रोसीजर दिए रिमूवल अगर सीएजी का करना है तो फिर प्रूवन मिस बिहेवियर का ग्राउंड पे ही कर सकते हैं और उसमें भी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का टू थर्ड या कुछ रहता है कि इतने अगर लोग बोलेंगे हाँ तो ही रिमूवल होता है ठीक है तो स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सी एन एजी ऑनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी अगर हो जाता है तो सैलरी और अदर कंडीशन कौन डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट नहीं पार्लियामेंट ठीक है आर्टिकल 149 में क्या दिया है यूपीएससी पढ़ रहे समझ लो अपन अभी ठीक है परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स टू दी अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी एज मे बी प्रिस्क्राइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा जो भी उसके रिलेशन में अकाउंट्स से रिलेटेड यूनियन एंड स्टेट्स के अकाउंट्स से रिलेटेड एंड और कोई अथॉरिटी या बॉडी जो प्रिस्क्राइब करती है और अंडर एनी लॉ दैट इज गिवन अंडर पार्लियामेंट पार्लियामेंट में और भी कोई लॉ के तहत तो उसकी अगर कोई ड्यूटी और रोल बनता है तो ठीक है। CNAG, Duty, Power and Service 1971 डिफाइन करती है करती कुछ और functions CNAG के, ठीक है है का नाम उतना कुछ याद रखने लायक नहीं ठीक है आर्टिकल के एडवाइस में प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करता है फॉर्मेट कि उस फॉर्मेट में यूनियन और स्टेट अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो प्रेसिडेंट फॉर्मेट बताता है और प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है सी एजी

जो कि रखेंगे अपने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ठीक है सीएजी की वही ड्यूटी पावर एंड कंडीशन सर्विस एक्ट जो 1971 है उसमें है सीएजी के कि वो ऑफिस होल्ड करेगा फॉर अ टर्म ऑफ़ इयर्स और अप द तो एज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए अर्लियर ठीक है पलग? एंड यू कैन रिजाइन एट एनी टाइम थ्रू अ रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू प्रेसिडेंट फिर दिए हुए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जिसको सीएजी ऑडिट करेगा नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी लार्ज कौन कौन से आते हैं लोग ऑल द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो अपने रेलवे आ गया ठीक है जो भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो एंड ऑफिस इंक्लूडिंग द इंडियन रेलवे पोस्ट एंड टेली इसका ऑडिट सी एज देखेगा पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेज कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट डेट इज गवर्नमेंट कंपनीज एंड गेंट कॉरपोरेशल आईसी गवर्नमेंट कंपनीज महारत्नास ठीक है ये सबकी बात करें पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेज कंट्रोल्ड बाई दूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडी मतलब नॉन कमर्शियल है नॉन प्रॉफिट वाले ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट बॉडीज एंड अथॉरिटीज जिसको ओन और कंट्रोल कौन कर रहा है यूनियन और स्टेट इनकी भी ऑडिट सीएजी करेगा एंड अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज ऐसी अथॉरिटी या बॉडी जिसको सब्सटेंशियली फाइनेंस कौन कर रहा है यूनियन रेवेन्यू ठीक है तो याद रखना है कि सीएजी का ऑडिट सीएजी ये, ये लोग का ऑडिट सी देखेगा एक तो अपना डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक रेलवे पोस्ट ऑफिस टेली कम्युनिकेशन पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस जो तो कि रजिस्टर्ड कंपनीज है या फिर कॉर्पोरेशन होंगे और नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज ओन्ड एंड कंट्रोल स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट एंड लास्टली अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम यूनियन और स्टेट रेवेन्यू फिर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कमर्शियल ऑडिट जो होता है उसके लिए दिया हुआ है कि है कि कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो गवर्नमेंट कंपनी है उनका ऑडिट सीएजी पूरा देखता है ठीक है तो उसका ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा सीएजी ऑडिटर डायरेक्शन एंड द मैनर इन विच दी ऑडिट शुड बी कंडक्टेड कि अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है सीएजी लेकिन रेमुनरेशन इंडिविजुअल कंपनी देखती है ठीक है आएगा शायद नीचे अपॉइंटमेंट ऑडिटर करता है रेमुनरेशन इंडिविजुअल कंपनी देखती है एंड इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू कमेंट अपॉन दी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर कमेंट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देता है उसके कमेंट करता है सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट भी देता है टेस्ट ऑडिट भी करता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 6 और सब सेक्शन 7 अपन करेंगे आगे इन एडिशन उसके पास राइट है टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कॉस्ट टेस्ट ऑडिट इफ नेसेसरी जो आगे अपन देखेंगे सप्लीमेंट्री ऑडिट विद इन सिक्सटी डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट करना रहता है और टेस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी दी हुई है 143 7 में देन ऑडिट बोर्ड सेटअप इन कमर्शियलर्शल ऑडिट्स केस में फिर ऑडिट बोर्ड सेटअप किया हुआ है ताकि सीएजी को असिस्टेंस मिले और कुछ बोर्ड में तो सीएजी खुद असिस्ट करेगा ओवरऑल पार्लियामेंट के सामने जब बुक्स जाएगी तो फटाफट प्रोसीजर स्मूथली कैरी आउट हो सके तो उसके लिए ऑडिट बोर्ड सेटअप है इन कमर्शियल ऑडिट्स के लिए

देन दिस ऑडिट बोर्ड एसोसिएटेड विद एक्सपर्ट्स इन डिसिप्लिन हर एक डिसिप्लिन के एक एक एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इनके बोर्ड मेंंक्लूजन जो भी फाइंडिंग मिलती है कंक्लूजन मिलते हैं मैनेजमेंट को बता देते हैं कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री को बता देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को बता देते हैं कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई आर सी टी सी कंपनी जो है उसकी कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री कौन होगी रेलवे मिनिस्ट्री जो बैंकिंग कंपनीज होगी उसकी कौन कौन, कौन सी होगी मिनिस्ट्री आरबीआई तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है मिनिस्ट्री मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो उसको रिपोर्ट करना जो भी फाइंडिंग कंक्लूजन मिलती है तो ये सारी बॉडी का ये सब काम रहता है दिया हुआ ऐसी फिर लास्ट पॉइंट देखोगे तो दीज ऑडिट no नहीं है एंड वर्क अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ सी ए जी अब इम्पोर्टेंट चालू होता है जहां से क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू ऑलरेडी आया हुआ है ये अटेंड में कि पब्लिक अकाउंट कमिटी का चार पॉइंट दिए हुए थे इसमें से बताना था कि कौन सा पब्लिक अकाउंट कमिटी नहीं करती है ठीक है तो चारों में से तीन दिए थे सही और एक गलत दिया हुआ था तो अपन को सारे याद करने सारे पॉइंट वाइज ठीक है तो एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अपना टाइम बचाने के लिए यह कमिटी सेटअप करके बैठी हुई है कि बुक्स पहले ये लोग देखेंगे रिव्यू करेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट में पुट करेंगे बुक्स को ठीक है अकाउंट्स को तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव टू सेव इट्स टाइम कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशलाइज कमिटी लाइक पी एस सी एस्टिमेट्स कमिटी एंड सीपीयू कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग टू विच ऑडिट रिपोर्ट एंड एनुअल अकाउंट्स ऑटोमेटिकली विल स्टैंड रेफर्ड इनको पहले रेफर्ड होता है फिर ये लोग पुट करते हैं पार्लियामेंट तो पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या है इसका सिंपल मैं बताया हूं कि पीएडी पीएडी का एग्जामिन करना सीपीयू को सीपीटी से याद आ जाएगा सीपीयू सीपीटी ठीक है ना दोनों के शुरू शुरू के दो दो वर्ड से ही चालू होगी याद आ जाएगा कि सीपीयू का कैसा आंसर होगा सीपीटी की रिजल्ट आया रिजल्ट में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी निकली तो मैं स्पीकर लगा के नाचने लगा और लास्टली बैलेंसिंग फिगर एस्टिमेट्स कमिटी रेफ फॉर्म में करेंगे तो मनी मनी है ठीक है तो रेफ फॉर्म में करेंगे अपन तो बैंकर मनी अपन छापेंगे तो पीएससी को कैसे याद करना पैड्स को एग्जामिन करना तो सबके सामने अपन को लगाना है एग्जामिन दी मनी वर्स लीगली ऑन दी सर्विस और पर्पज टू बीच देवर अप्लाइड मतलब जो मनी डिस्बर्स हुआ है ना वो उसी पर्पज के लिए अप्लाई हुआ है जो जिसके लिए डिस्बर्स हुआ है गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलते रहती तो जिस योजनाएं के लिए मनी डिस्बर्स हुआ है उसी पर्पज के लिए हुआ है कि नहीं मनी यूज तो गवर्नमेंट कंपनी के इतने सारे एक्सपेंडिचर इतना लार्ज वॉल्यूमस ट्रांजेक्शन होता है कि बिना सेंशन के भी कभी हो गया कुछ तो इतना ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होगा करोड़ों का की तो इसलिए बोलते हैं सारे एक्सपेंडिचर जो भी इनकर हो रहे हैं एंड पी एक और क्या देखेगा लास्ट में डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स दैट इज री अप्रोप्रिएशन बीन मेड इन विद द प्रोविजंस मेड जिसके लिए जितना जैसा प्रोविजन बना है उसके लिए वैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जैसे अभी बजट आया कल बजट 2022 तो उसमें हर चीज के लिए प्रोविजन बनाया कि हम इसको इतना करोड़ देंगे पच्चीस हजार किलोमीटर बनाने वाले लोग हाईवे इस साल तो उसके लिए इतना प्रोविजन बना है तो जितना जितना प्रोविजन बना है उसको उतना उतना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं ये भी देखेगी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड लास्टली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज

ठीक है अब सीपीयू का कैसा था सीपीटी का रिपोर्ट आया रिपोर्ट में एफिशिएंसी बहुत निकली तो स्पीकर लगा के नाचे लगे तो रिपोर्ट से दो पॉइंट थे रिपोर्ट के दो पॉइंट क्या है एग्जामिन करना अपन को रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग जो भी पब्लिक अंडरटेकिंगउंट्स एंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसको एग्जामिन करना कौन करेगा सीपीयू कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग और दूसरी वो रिपोर्ट देखेगा जो सीएजी देती है पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर सीएजी जो रिपोर्ट देगी उसको भी रिपोर्ट को वो ही देखेगी सीपीयू दो रिपोर्ट देख रही है एक तो ऑडिट अकाउंट uh, और रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग एंड एक सी जो पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट दे रही है वो रिपोर्ट। दो रिपोर्ट रिपोर्ट दो हो गया। रिपोर्ट में क्या निकली? एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी आई अपनी तो एग्जामिन करना ऑटोनॉमी एंड टू सी वेदर दे आर बीइंग मैनेज इन अकॉर्डिंग कमर्शियल प्रैक्टिस मतलब मेरा जो प्रिंसिपल जो बिजनेस कर रहा हूँ मैं जैसा वो एकदम तगड़ा सॉलिड है

एंड एस्टिमेट्स कमिटी जो भी पी और एस्टिमेट्स कमिटी बोलेगी सीपीयू को करने वो करना जो कि ऊपर में कवर नहीं है ऊपर तीन पॉइंट में प्लस जो भी स्पीकर बोले वो भी कर लेगा वो ठीक है ना कमिटी तो स्पीकर लगा के नाचने लगे और सीपीटी से था अपना सी से था कॉम्प्रियसिव अप्रेजल करना उसको पी से पॉलिसीज प्रोग्राम को इवेल्युएट करना है टी से थारो एग्जामिनेशन करके कॉम्प्रियि अप्रेजल करना पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इवेल्युएट करना थ्रू एग्जामिनेशन थरो एग्जामिनेशन करके कंप्लीट एग्जामिनेशन थरो एग्जामिनेशन करके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल करना पॉलिसीज प्रोग्राम्स इवैल्यूएट करना थरो एग्जामिनेशन करके थरो एग्जामिनेशन करके ठीक है सिंपल है एमसीक्यू आया था दो नंबर का सिंपल पीएससी से चार में से कौन सा है बताना था सिंपल सिंपल अब 4 5 नंबर का भी आ जाए तो कोई वो नहीं है 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एफसीमेट्स कमेटी का रोल बताओ तो एस्टिमेट्स कमिटी का क्या रोल है रैप फॉर्म में करेंगे तो मनी ही मनी तो रैप आर से जो से आते हैं उस रिपोर्ट करना कि क्या कोई रिफॉर्म लाने की जरूरत है क्या जो अपने पॉलिसी से कंसिस्टेंट हो मतलब इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है क्या ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ रिफॉर्म लाना पड़ेगा क्या दैट इज कंसिस्टेंट विद पॉलिसी अंडर लाइन दिमेट्स में बी एफेक्टेड ठीक है जैसे वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना वगैरह जो रहती है उसमें कुछ रिफॉर्म लाना है क्या जो कि अपने कंसिस्टेंटो पॉलिसी से अपने एस्टिमेट जिसको कुछ अफेक्ट करने पड़ेंगे क्या ठीक है सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी क्या वो पॉलिसी ही अल्टरनेट कुछ दूसरी पॉलिसी सोचनी पड़ेगी क्या उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो रहा है मान लो रोजगार योजना से तो सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट जो मनी दे रहे हैं वो विद इन द लिमिट ही है जितना लिमिट बजट में दिया हुआ है गवर्नमेंट ने उतना ही लिमिट के अकॉर्डिंग मैंने मनी को दिया है तो रैप फॉर्म में करेंगे तो मनी मनी तो आर एपी हो गया अपना रिफॉर्म्स एंड अल्टरनेटिव पॉलिसीज मनी से मनी जो लेड आउट है वो विद इन लिमिट है ठीक है तो फॉर्म से क्या है कि किस फॉर्म में एस्टिमेट्स को प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में फॉर्मेट कैसा होगा फॉर्म

और इसका बैलेंसिंग फिगर रैप फॉर्म में करना है तो मनी मनी तो आर से रिफॉर्म क्या कंसिस्टेंट हो पॉलिसी एपी से अल्टरनेटिव पॉलिसी किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा एस्टिमेट्स को पार्लियामेंट में वेल लेड लेट डाउन विद इन लिमिट्स मनी जो लेट डाउन हो रहा है वो विद इन लिमिट्स है ठीक है तीनों कमेटी हो गए याद अच्छे से <coughs> अब आ जाओ सीएजी का रोल सीएजी का क्या रोल है इन फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो अभी अपन ऊपर ने कमिटीज़ पढ़ी फाइनेंशियल कमिटी के फंक्शनिंग में और स्टेट लेजिस्लेचर के फंक्शनिंग में क्या रोल सीएजी प्ले करता है अलग से क्वेश्चन है एमटीपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखना CAG क्या रोल प्ले करेगा इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर CAG का क्या रोल होगा तो CAG का ही रोल है बहुत ज्यादा उसी के रिपोर्ट के बेसिस पे ही कमिटी अपनी वर्किंग प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल कमिटी बहुत सारी होती है ये वन ऑफ द थ्री ऑडिट कमिटीज है अपनी और भी कमिटीज आ जाएगी फाइनेंशियल कमिटीज में ठीक है तो क्या बोल रहा था सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उसके रिपोर्ट के बेसिस पे सीएजी जो रिपोर्ट देगा उसके बेसिस पे ही कमिटी अपनी वर्किंग बनाती है तो अगर रोल बोले तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट वही याद आ जाएगा कि इम्पोर्टेंट रोल कि सीएजी के वर्किंग के बेसिस पे ही एस सीएजी के रिपोर्ट के बेसिस पे ही कमिटीज अपनी वर्किंग प्रिपेयर करती है तो हिज रिपोर्ट जनरली फॉर्म द बेसिस ऑफ द दर्किंग ऑल दो दे आर नॉट रिक्लेटेड फ्रॉम एग्जामिनिंग इश्यूज नॉट ब्रॉट आउट इन हिज रिपोर्ट मतलब कि जो उसके रिपोर्ट में नहीं है

सबमिट करेगी नोट्स वगैरह फाइनेंशियल और वो स्क्रुटनाइज करेगा कौन करेगा सीएजी स्क्रुटनाइज करेगा और कमिटी को हेल्प करेगा कि जो उसने सबमिट किया है किसने सबमिट किया है मिनिस्ट्री ने जो नोट सबमिट किया है उसको अंडरस्टैंड करने में उसको ऑडिट करने में अच्छे से प्रॉपरली असिस्ट करेगा सीएजी तो ही स्क्रूटेनाइजेज द नोट कौन सीएजी सीएजीज द नोट विच द मिनिस्ट्री सबमिट टू दी कमिटीज एंड कमिटीज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ सबमिशन टू कमिटीज

तो वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द कमिटीज ऑफ द एक्शन टेकन बाय देम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी तो कमिटी जो अभी ऊपर में ये रिकमेंडेशन दी ना ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में उसके बेसिस में ये कमिटीज और ये अपनी जो मिनिस्ट्रीज है डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो एक्शन लेती है उसके बेसिस में तो मतलब यहाँ पे वैसा सीएजी का रोल नहीं बोल रहा है लेकिन इनडायरेक्टली जो ऑब्जर्वेशन और कमिटीज को जो देगी पार्लियामेंट प्रेजेंट करेगी अपने ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग रिकमेंडेशन तो उसको असिस्ट कौन करेगा सीएजी करेगा सीएजी का रोल वहां पे भी है ठीक है ना एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस्ड इन बाई रिपोर्ट्स जिसको फाइनेंशियल डिटेल में डिस्कस नहीं कर पा रही है तो रिटर्न and डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री in इन द रिपोर्ट प्रेजेंटेड टू parliament and state legislature, जो पर अपन ने रिपोर्ट सबमिट किया तो वो रिपोर्ट में रिटर्न आंसर भी मिलेंगे अपन को किसके आंसर होंगे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज कौन से डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज जिसका ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट ऑडिट नहीं हो पा रहे विच कुड नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल बाई दीज जिसकी ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस डिटेल में नहीं कर पा रहे तो वो सारी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज का क्या हुआ जो अपनी ये ऐसी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज कंसर्न जिसका ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस नहीं हो पा रहा है डिटेल में कमिटी में तो वो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से अपन क्वेश्चंस का आंसर मंग लेते हैं क्योंकि उसको ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस नहीं कर पा रहे तो इसलिए उनसे कुछ अपन रिटर्न आंसर ले लेते हैं मंग लेते हैं और फिर वो जो ऊपर अपन रिपोर्ट सबमिट किया पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट के साथ वो क्वेश्चन आंसर भी चले जाते हैं तो ये सब में भी सीएजी का रोल प्ले होगा सीएजी ए यहाँ पे भी रोल प्ले कर ही रहे अंडरस्टैंड करना कि क्या आंसर आया डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री क्या आंसर दी है क्यों ये लोग का ऑडिट रिपोर्ट डिटेल में डिस्कशन नहीं हो पाया और उसके अकॉर्डिंग जो जो आंसर चाहिए था वो मिल गया ना तो ये सब में सीएजी पूरा रोल अपना प्ले करता है ठीक है तो सीएजी का रोल चार पॉइंट इंपॉर्टेंट ठीक है चारों पॉइंट क्या था कि जो सीएजी की रिपोर्ट होती है वो ही जनरली फॉर्म करती बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ कमिटीज़

फिर वो फाइनेंशियल कमिटी प्रेजेंट करती जो रिपोर्ट पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर को उस पर भी असिस्ट करता है कमिटीज को एंड लास्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कुड नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल तो रिटर्न आंसर ले लेते अपन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से उसके रिगार्डिंग एंड रिपोर्ट के साथ वो सबमिट हो जाते हैं ऊपर वाली रिपोर्ट्स के साथ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को तो सीएजी का रोल हो गया अपना ये चार पॉइंट देन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ तो सीएजी ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट सेम एक्ट का नाम स्टेट लेवल तो सारी एंटीटी जो अपन ऊपर पड़े ना चार एंटीटी डिपार्टमेंटल रेलवे पोस्ट ऑफिस टेलीकम्युनिकेशन फिर कमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड अपने कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज फिर इधर नॉन कमर्शियल जो कि सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है ऑटोनोमस बॉडीज है और चौथे कौन सी थी फाइनेंस्ड बाय सिग्निफिकेंटली फाइनेंस यूनियन और स्टेट रेवेन्यू ठीक है तो वो सारे का यहाँ पे सारी एंटिटीज दी गई होगी ये एक्ट के अंदर तो स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ दिटरमाइंड बाय सीएजी ही स्कोप डिटरमाइन करता है ऑडिट का कितना स्कोप होगा और एक्सटेंड कितने एक्सटेंड तक ऑडिट करना है ठीक है फिर वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा और ऑडिट करवाएगा जैसे कि मैनेजमेंट अगर ऑडिट करवाती है मैनेजमेंट अपॉइंट करती है नॉर्मल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो वही बताती है स्कोप क्या होगा एक्सटेंड क्या होगा तो यार सीएजी कर करिए अपॉइंटमेंट ऑडिटर का तो वो बताएगी स्कोप और एक्सटेंड ठीक है ऑडिट कंडक्टेड बाय सीएजी तीन टाइप से ऑडिट और अलग अलग दिया हुआ है

एंड परफॉर्मेंस ऑडिट में ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है एंटिटी का वो सब देखते हैं तो ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं सिंपल सिंपल है एक बार रीड एंड लीव जैसे है कि इसमें कुछ आने लायक अलग से क्वेश्चन आने की उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है तो क्या बोलता है कि ऑडिट ऑफ पी एस यू नॉट कंस्टेंट टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट ऑनली पहला पॉइंट कि पीएस यू में सिर्फ फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट नहीं होता है और भी टाइप के अलग अलग ऑडिट होते हैं इट एक्सटेंड टू परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑडिट में एफिशियंसी भी देखते हैं इफेक्टिवनेस भी देखते हैं इकोनॉमी भी देखते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट से अपन करेंगे डिटेल में बहुत ज़्यादा आधा भी करते, है। करते क्या जरूरत थी क्या सब्सटेंस देखना फाइनेंशियल ठीक है तुमने सब चीज कंप्लाई किया बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया खर्चा करने के लिए अकाउंट भी एकदम सही सही बनाया सब चीज सही है लेकिन जरूरत ही थी क्या वो सब देखना प्रोपर्टी ऑडिट में

ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टू बी टेकन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो जो डिसीजन है वो जो अथॉरिटी डिसीजन ले रही है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि नहीं क्योंकि एक एक डिसीजन बहुत ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने यहाँ पे वो फ्लाईओवर बन गए वॉकओवर तो वो डिसीजन लिया जो फिर हटाने का डिसीजन जो भी है एक एक डिसीजन इम्पोर्टेंट है कितने करोड़ों हजारों दो हजार तीन हजार करोड़ डायरेक्ट इन्वेस्ट हो जाते हैं सीधा सीधा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही डिसीजन ले रही है इन एग्जामिनंग द डिसीजन ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिटर एग्जामिन डिज वर टेकन बाय दी कॉम्पिटेंटेंटेंटेंटेंट अथॉरिटी आफ्टर एग्जामिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पब्लिक इंटरेस्ट सब देखने के बाद ही डिसीजन लिया गया है और किसने डिसीजन लिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हेल्पिंग गवर्नमेंट ऑडिट इज एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑडिट से अकाउंटेबिलिटी आती है कि अगर मेरे को पता है कि मैंने ये किया खर्चा बाद में मेरा इसका ऑडिट होने वाला है तो मैं वो खर्चे को सही सही करूँगा ज्यादा खर्चा नहीं करूँगा खर्चे को प्रॉपरली रिकॉर्ड करूँगा उसके वाउचर मेंटेन करके रखूंगा सब चीज करूँगा तो ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी बट एन इक्वली इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन इंडिया इज टू हेल्प द गवर्नमेंट एंड द एंटरप्राइज मैनेजमेंट इंप्रूव देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस समझो गवर्नमेंट बाबू लोग पता नहीं रहेगा उन लोगों की उनकी ऑडिट होने वाली तो वो लोग तो बैठे रहते फिर काम नहीं करेंगे तो उनका इंप्रूव लाना एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस लाना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंप्रूव करना दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड लास्टली हाईलाइटिंग इश्यूज ऑफ एफिशियंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन अच्छे अच्छा ऑपरेशन हुआ है अच्छे अच्छे काम किए अगर डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने तो उसको हाईलाइट करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज लिंक्ड विथ फिजिकल परफॉर्मेंस एंड इशूज ऑफ एफिशियंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज आर हाईलाइटेड देर इज इंक्रीजिंग एफिस ऑन ऑडिबिंग एंड इंट्रूमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट वही बापस से बोल रहे हैं ऑडिट इज एंड इंस्ट्रूम इंप्रूवेंट Fiscal, अब यहां से इंपॉर्टेंट चालू होता है जहां से एमसीक्यू आने के चांसेस फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स गवर्नमेंट ऑडिट टू मेन कंपाजीट दो मेन एलिमेंट है एक तो फिजिकल अकाउंटेबिलिटी लेके आते हैं वो और दूसरी मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी तो जैसे ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड सेंक्शन ऑडिट ऑफ सेंक्शन ऑडिट ऑफ कंप्लाइंस प्रोपर्टी ऑडिट ये सब ऑडिट होने के कारण क्या होता है मतलब मतलब क्या? खर्चा जितना करने वाली गवर्नमेंट, मतलब वही होता है, ऑडिट। तो वो सब पे एक चेक आ जाता है, आ जाती है. ठीक है? आ जाती है. और अकाउंटेबिलिटी मतलब मैनेजमेंट जैसा चल रही में, उस पे आना आनाशियंसी बढ़ना अकाउंटेबिलिटी बढ़ना इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन करना अच्छे से इफेक्टिवनेस होना efficiency और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या बताया था पहले तो एफिशिएंसी मतलब इनपुट एंड आउटपुट जो है रेशियो तो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकल रहे हैं तो वो हो गया तुम्हारा एफिशिएंसी और आउटपुट जितना होना चाहिए था टोटल कंप्लीट हंड्रेड परसेंट आउटपुट वो है तुम्हारा इफेक्टिवनेस कि जो ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा वो अचीव हुआ कि नहीं वो इफेक्टिवनेस होता ठीक है।, है इसको डिटेल में करने वाले अपन परफॉर्मेंस ऑडिट में तो दो अकाउंटेबिलिटी लेके आता है ऑडिट एक फिजिकल अकाउंटेबिलिटी एंड एक मैनेजर अकाउंटेबिलिटी उसके लिए दिया हुआ है दो पॉइंट अब अगर क्वेश्चन आता है पीएससी ऑडिट के एलिमेंट्स क्या ठीक है? है एलिमेंट्स मतलब क्या क्या हम्म। एफिशिएंस कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या बताया कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट प्रोपर्टी ऑडिट ये सब करने के बाद भी ऐसे कुछ मैटर्स लगते हैं ना तो उसको अपन ऑडिट सीएजी करवाती है फिर उस टाइम पे सीएजी के जो ड्यूटीज पावर एक्ट एक्ट जो है है ना वो वाले एक्ट में उसके पास पावर सब ऑडिट करवाने का तो वहां परिहसिव ऑडिट करवा सकती है और कॉम्प्रेसिव ऑडिट में ऑलरेडी अगर परफॉर्मेंस ऑडिट ऑडिट हो गया बाद भी कुछ मैटर्स ऐसे जो बच गए तो वो वहां पे टेअप होते हैं तो इसलिए उसको परफॉर्मेंस ऑडिट वहाँ पे भी देखते ही है एफिशिएंसी का एलिमेंट भी चेक होता है वहाँ पे इफेक्टिवनेस भी देखते हैं आगे आएगा कॉम्प्रेन्सि ऑडिट एक और अलग से सेक्शन आएगा उसमें समझ में आ जाएगा ठीक है एक एक ऑडिट का अलग अलग से पढ़ना ही है नीचे में फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लायंस ऑडिट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट नीचे दिया हुआ है ठीक है देन एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ऑडिट्स तो ऑडिट ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एज दी फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स क्वेश्चन आएगा कि क्या बेसिक एलिमेंट है, तो है. याद रखना एक तो तीन पार्टी एलिमेंट तीन पार्टी पार्टी होती है वही तीन पार्टी यहाँ पे भी है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोले तो ऑडिटी मैनेजमेंट अपनी और तीसरा इंटेंडेड यूजर्स ऑफ सच फाइनेंशियल फिर सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन टर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ एंगेजमेंट दो टाइप के एंगेजमेंट होते हैं एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट दिया हुआ है एलिमेंट बेसिक एलिमेंट ऑफ पी एस सी ऑडिट में ठीक है तो तीन पार्टी दी है ऑडिटर दिए हुआ है कि रोल ऑफ ऑडिटर फुलफिल कौन करता है ऑडिटर का रोल सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन आई ठीक है इंपॉर्टेंट याद रखना एफसी जो है एंड आई ए एडी जो है

साई ठीक है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन एंड सीएजी एंड आईएएडी जो उसके अंडर में फंक्शन है आई किसके ऐसे आई के अंदर साई के अंदर रिस्पांसिबल पार्टी कौन है डिटरमाइंड बाय अरेंजमेंट इन द सेंस पार्लियामेंट एक्ट के अंदर मान लो LIC जैसा बना है LIC Act 1956 तो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट टाइप से हो गया ठीक है तो वो डिटरमाइंड वैसे होगा ऑडिटेबल एंटिटीज ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज हो गई एंड टीसी डब्ल्यू जी ऑफ दोडिटेबल एंटिटीज एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टी मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजिंग द सब्जेक्ट मैटर और फॉर एड्रेसिंग रिकमेंडेशन सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन मतलब जो सब्जेक्ट मैटर को और क्राइटेरिया को इवेल्यूएट करके जो आउटकम होता है उसको सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन बोलते हैं नीचे आएगा अभी सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन क्या होता है तो उसको रिस्िपॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉसिबिलिटी बनाना इन शॉर्ट अगर इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारा हो गया समझ लो तो ठीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्सिबिलिटी किसकी होती है मैनेजमेंट की यहां पे भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटेंडेड बोले तो इंडिविजुअल और क्लास फॉर हुम दी ऑडिटर प्रिपेयर्स दी ऑडिट रिपोर्ट जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बन रही है इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब देखो सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन किसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर क्या है ऐसी इन्फॉर्मेशन या कंडीशन या एक्टिविटी डेट इज इवेल्युएटेड अगेंस्ट क्राइटेरिया और क्राइटेरिया क्या है ऐसा बेंच जो यूज होता है सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करने में उल्टा उल्टा समझो सब्जेक्ट मैटर जिसको की किससे थ्रू करते हैं क्राइटेरिया के बेसिस पे और क्राइटेरिया बेंच है जो अपन यूज करते हैं सब्जेक्ट मैटर को इवेलुएट करने के लिए एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन इज आउटकम ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट इवेल्युएंग्राइटे ठीक है देन ये इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकते हैं इससे अलग से येलो मार्क जो है उससे कि अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट

और जबकि डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में ऑडिटर ही मेजर करता रहता है ऑडिटर खुद मेजर करता है इवैल्यूएट करता है सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया ये बेसिक एक डिफरेंस समझ में आ रहा है तो फिर तुम लोगों को एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल डायरेक्ट रिपोर्टिंग का डायरेक्ट रिपोर्टिंग का एग्जांपल क्यों है और फाइनेंशियल ऑडिट अटैस्टेशन का एग्जांपल क्यों है ठीक है तो अटेस्टेशन एंगेजमेंट में अपन को अटेस्टेशन करना पड़ता है ऑडिटर को अश्योरेंस देना पड़ता है रिजनेबल अश्योरेंस ट्रू एंड फेयर व्यू देना पड़ता है जो कि अपन नॉर्मल अपने, अपने फाइनेंशियल ऑडिट में भी यही करते हैं इसलिए अटेस्टेशन एंगेजमेंट का एग्जाम्पल फाइनेंशियल ऑडिट है और डायरेक्ट रिपोर्टिंग का एंगेजमेंट का एग्जाम्पल इसलिए एंड कम्पलाइंस ऑडिट है क्योंकि ऑडिटर ही उसको मेजर रिव्यू करता है पूरा ऑडिटर ही पूरा परफॉर्मेंस कम्पलाइंस ऑडिट के लिए बनाता है तो एग्जाम्पल अगर बोलता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट का तो पूछेगा कि विच ऑफ दी ज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट परफॉर्मेंस ऑडिट कम्प्लाइंस ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट नीक प्रिंसिपल दिए हुए कुछ बेसिक पीएससी ऑडिट्स के ऊपर अपन ने क्या पढ़ा अभी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पीएससी ऑडिट्स बेसिक एलिमेंट तीन बेसिक एलिमेंट है कौन कौन से पहला का थ्री थ्री बेसिक पार्टी

नाइन प्रिंसिपल्स थोड़े बहुत तो उसी टाइप के प्रिंसिपल्स है जनरल प्रिंसिपल पी ऑडिट के लिए भी कि इंडिपेंडेंस और एथिक्स रहना चाहिए मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये वो प्रोफेशनल जजमेंट ड्यू केयर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्वालिटी कंट्रोल जो अपन ऐसे 220 में देख के आए हाँ उसी का है ठीक है ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल ऑडिट रिस्क मटेरियलिटी नॉर्मल भी याद रख सकते हो कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन मटेरियलिटी ऑडिट रिस्क ये सब तुम्हारे जनरल प्रिंसिपल हो गए एंड प्रिंसिपल डेट इज रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस तो उसमें दिए हुए प्लान करेंगे ऑडिट को फिर ऑडिट कंडक्ट करेंगे और लास्टली रिपोर्ट एंड फॉलोअप करना ठीक तो है तो प्रिंसिपल से क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो ये याद रखना पड़ेगा तुम लोग को एक बार जनरल प्रिंसिपल और स्पेशल प्रिंसिपल जो ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड है प्रिंसिज रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस तो प्रिंसिपल दैट इज रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस में याद रखना कि स्टेप्स टाइप का दिया हुआ है कि प्लान करूंगा मैं कंडक्ट करूंगा ऑडिट एंड लास्ट में रिपोर्ट एंड फॉलोअप करना और उसके अंदर में एक बार रेड कर लेना तो सिंपल है स्टेबलिश करना टर्म्स ऑफ ऑडिट अंडरस्टैंडिंग लेना रिस्क असेसमेंट करना रिस्क ऑफ फ्रॉड देखना और डेवलप करना ऑडिट प्लान जो अपन ऐसे तीन सौ पंद्रह थ्री थर्टी में करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करने के लिए वो सब देन प्लान ऑडिट परफॉर्म करना प्रोसीजर करना टू ऑपटेन ऑडिट एविडेंस

आगे बढ़े। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़ तो सेक्शन वन थर्टी फाइव में दिया फर्स्ट ऑडिटर जो है गवर्नमेंट कंपनी का उसका अपॉइंटमेंट करता है सीएजी विद इन थर्टी डेज सीएजी नहीं करते तो फिर बीओडी करते हैं विद इन सिक्सटी डेज और बीओडी भी नहीं कर पाते शेयर होल्डर करता है सॉरी बीओडी विद इन थर्टी डेज ही करते हैं शेयर होल्डर करते विद इन नेक्स्ट सिक्सटी डेज तो 139 सबसेक्शन 5 में फर्स्ट ऑडिटर के लिए दिया हुआ है 139 सबसेक्शन 7 में दिया सबसीक्वेंट ऑडिटर सीएजी का कितने दिन में करता है 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 डेज में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए और सीए जो गवर्नमेंट ऑडिटर के गवर्नमेंट ऑडिटर्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स वो एक टेन्योर एक साल का टेन्योर रहता है उनका ठीक है नेक्स्ट एजीएम तक वो लोग का टेन्योर रहता है तो वही सब दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 5 139 7, 143, 5 एंड 7 रेड विद सेक्शन फाइव वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन 5 में ये दिया हुआ है ये जो मैं लिखा हुआ ना रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होगा वो सब सीएजी डायरेक्शन जो देगा वो तुमको अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है कि मेरे को सीएजी ने क्या क्या डायरेक्शन दिया था ऑडिट करने के लिए मैंने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर एंड इंपैक्ट क्या है उसका अकाउंट्स एंड एफएस पे ठीक है तो क्या दिया है देखो यहां पे क्या दिया रेमुनरेशन डिसाइडेड बाय रेमुनरेशन कौन डिसाइड कर रहा है इंडिविजुअल कंपनी खुद कर रही है सीएजी अपॉइंट कर रही है तो इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना सीएजी अपॉइंटमेंट करेगी रेमुनरेशन डिसाइड लेकिन कंपनी खुद ही करेगी एमसीक्यू अगर आता है तो रेमुनरेशन सीएजी अपॉइंट जो कर रहा है वो नहीं करेगा रेमुनरेशन डिसाइड बेस्ड ऑन दी गाइडलाइंस गिवन बाय सीएजी रेमुनरेशन उसकी गाइडलाइन के बेसिस पे डिसाइड करेगी इंडिविजुअल कंपनी सीएजी में डायरेक्ट दी ऑडिटर ऑन दी मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड सीएजी मैनर डायरेक्ट करेगी और उसी के लिए दिया हुआ है कि ऑडिट audit को ऑडिटर को सबमिट करना है ऑडिट रिपोर्ट की जो कॉपी वो सीएजी को देगा और वो ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होगा क्या तीन बात डायरेक्शंस गिवन बाय एक्शन टेकन बाय द इंपैक्ट्स एन अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट <coughs> और जो वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन फाइव में जो ये रिपोर्ट दे रहे अपन गवर्नमेंट कंपनी के केस में एडिशन एडिशनल रिपोर्ट ये इन एडिशन टू नॉर्मल जो अपन को देना है 143 फोर्टी थ्री ट्वेल्व समझ लो कारो वारों में जो भी मेरे को 143 फोर्टी थ्री ट्वेल्व में फ्रॉड रिपोर्ट जो भी मेरी रहती है 143 फोर्टी थ्री सेक्शन में जो जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसके अलावा रिक्वायरमेंट है वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन फाइव एडिशनल रिक्वायरमेंट है ठीक है

कुछ अगर मैं थोड़ी बहुत और चेकिंग कराऊ तो सप्लीमेंट हो जाएगी नॉर्मल ऑडिट को सप्लीमेंट हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकती विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑडिट रिपोर्ट ठीक है उसके पास राइट है सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने का ऑन दस किससे करा सकती वो किसी भी पर्सन से एज ही मे ऑथराइज जिसको वो ऑथराइज करेगी सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के लिए वो ऑडिट करेगा फिर उसका ठीक है और एंटिटी को सारी इंफॉर्मेशन देनी है इंक्लूडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश टू डेट पर्सन या पर्सन जिसको सीएजी ने ऑथराइज किया सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के लिए ठीक <coughs> <coughs> है सप्लीमेंट्री ऑडिट सीएजी कंडक्ट कर सकते हैं विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम दी डेट और रिसीट ऑफ दी ऑडिट रिपोर्ट राइट टू कंडक्ट है उसके पास एंड सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए वो कोई भी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है ऑडिट करने के लिए एंड एंटिटी को सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी उस पर्सन को जिस पर्सन को ऑथराइज किया है सीएजी ने सिंपल है देन टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है अच्छा सप्लीमेंट ऑडिट में कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन वन फोर्टी सबसे क्लॉज बी तो वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन सिक्स में सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाता है तो उसके क्लॉज में दिया हुआ है कि विद इन सिक्सटी डेज सीएजी करा सकता है ऑडिट और क्लॉज बी में दिया हुआ है कि सी कोई भी कमेंट जो देगा या सप्लीमेंट करेगा अपना सेंड करना पड़ेगा जिस जिसको एजीएम जाती है ना ऑडिट रिपोर्ट जिसको जाती है वो सबको डेट इज सेक्शन 136 थर्टी सिक्स वन में जो जो लोग है और वहां पे कौन कौन लोग है तो लिख सकते हो डिचर होल्डर्स से लेके जो जो persons entitled to attend agm persons entitled to attend agm ठीक है और डिवेंचर होल्डर्स तुम्हारे, शेयर होल्डर्स ये सब कवर्ड है वहां पे 136 सब सेक्शन 1 में सारे पर्सन जिसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने हैं कंपनी को वो सारे पर्सन को फिर ये सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट में जो कमेंट्स किए सी ए ने वो कमेंट भी देगा एनटीटी एंटाइटल टू अटेंड एजीएम इसमें दिया हुआ सेक्शन सेक्शन 136 सब 1 में डिबेंचर होल्डर्स भी कवर्ड है तो फॉर एग्जांपल मान लो एमसीक्यू आता है तुम लोग को कि एनटीटी डिबेंचर होल्डर्स के अलावा सबको दे रही है जो कमेंट सीएजी का कमेंट है सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट वो डिबेंचर होल्डर को नहीं दे रही है क्योंकि वो डेट होल्डर से बोल रही कंपनी मैं हमारे जो ओनर्स शेयर होल्डर्स और जो जो एजीएम के लिए आने वाले हैं वो सबको मैं दे रही हूँ तो क्या कोई नॉन कम्प्लाइंस है क्या तो आंप्लाइंस है क्योंकि सेक्शन सेक्शन में वो भी है है ठीक सारे पर्सन जो एंटाइटल्ड है टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है एंड ऑल्सो भी प्लेस बिफोर दी एजीएम ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम आई मैनर एज दी ऑडिट रिपोर्ट जैसे ऑडिट रिपोर्ट एजीएम में रखा जाता वैसे ही इसके कमेंट्स को भी रखा जाएगा सीएजी के कमेंट्स को ऑन सप्लीमेंट्री ऑडिट ये इंपॉर्टेंट अलग से याद रखना एस में अलग से दिया हुआ है कि सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट जो सी कंडक्ट कर रही है दैट इज इन नेचर ऑफ कम परफॉर्मेंस अप्रेजल तो जो अगर मैं सप्लीमेंट्री ऑडिट करा रहा हूँ और टेस्ट ऑडिट जब मैं करवाता हूँ सीएजी तो वो उस केस में वो क्या देखती है एक तो एफिशिएंसी का एलिमेंट ज्यादा जोर से देखेगी और दूसरा परफॉर्मेंस का एलिमेंट कि इनपुट आउटपुट रेशियो मतलब कम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में ज्यादा सर्विस दे पा रही है कि नहीं PSU, और परफॉर्मेंस कैसा है ये ज्यादा फोकस रहेगा सप्लीमेंट्री एंड टेस्ट ऑडिट में ठीक <coughs> तो है तो वन फोर्टी है क्लॉज ए में दिया है कि सप्लीमेंट्री ऑडिट क्राइट है सीएजी के पास कंडक्ट कराने का विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डेज में बाय एनी पर्सन एज ही मे ऑथराइज एंड एंटिटी को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो वाले पर्सन को

फिर लास्टली टेस्ट ऑडिट करा सकती है सेक्शन वन फोर्टी 7 में दिया हुआ है कि सीएजी अगर उसको लग रहा है तो वो ऑर्डर दे सकती है टेस्ट ऑडिट का भी बस इतना ही है ये तुम्हारा हो गया गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड अपना कंपनीज एक्ट में क्या दिया हुआ है और भी चीजें दी हुई है कारों में भी दिया है प्रोपर्टी एलिमेंट भी वन फोर्टी आगे नीचे देखेंगे अपन ठीक है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़, फाइनेंशियल ऑडिट ऑडिट क्या होता है पता ही है एक्सप्रेस करना ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनह डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज़र्स इन दाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सीएजील एक्सप्रेस एन ओपिनियन एस टू एफ इज प्रिपेड इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफ ऑन नॉट

एक्टिविटीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन कंप्लाइन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद दी रेगुलेटरी एंड अदर रूल सारी रेगुलेटरी रूल्स रेगुलेशन जो जो एप्लीकेबल हो रहे हैं तुमको उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं कंप्लाइन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद दी रेगुलेटरी एंड अदर रूल्स विच गवर्न दी ऑडिट एंटिटी जो जो तुमको लॉस रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं एंटिटी को उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं ये सारे अपन कंप्लायंस ऑडिट में देखते हैं तो मेनली वो कंसर्न किससे है रेगुलरिटी से एंड प्रोपर्टी से रेगुलरिटी इन द सेंस जैसे रिटर्न अपन बोलते हैं ना कि पी एफ प्रोविडेंट फंड ई का रिटर्न पेमेंट टाइमली हो रहा है कि नहीं रेगुलर हो रहा है कि नहीं लॉ का तो सब चीज रेगुलर होना ही चाहिए तो रेगुलरिटी एलिमेंट एक देखते अपन एडेरेंस ऑफ दब्जेक्ट मैटर टू दमल क्राइटेरिया डेट इज गिवन इन लॉ एंड रेगुलेशन ठीक है एंड दूसरा पन प्रोपर्टी एलिमेंट देखते कि ऑब्जर्वेंस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल प्रोपर्टी एलिमेंट में मैं बताया क्या देखते थे यहाँ पे वही दिया ना कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है वो साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एंड पब्लिक ऑफिशियल एथिकल कंडक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं कि घूस करप्शन वो सब कुछ नहीं है ठीक है देन कंप्लायंस ऑडिट में दिया कि इट इज जनरली कंडक्टेड आइदर इन रिलेशन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट है या फिर सेपरेटली एज अ इंडिविजुअल कंप्लायंस ऑडिट भी करा सकते हैं पूरा कंपनी जो अलग से और भी बाकी लॉज रेगुलेशन है उसका कंप्लायंस कर रही है कि नहीं सब चीज का रेगुलेटी प्रोपर्टी एलिमेंट देख के और होता है कई बार अपन इसको परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ कराते हैं इन कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिट ठीक है तो कंप्लायंस ऑडिटिंग इज जनरली कंडक्टेड आइदर इन रिलेशन विद द ऑडिट ऑफ एफएस और सेपरेटली एज इंडिविजुअल कंप्लायंस ऑडिट भी करा सकते हैं या फिर इन कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिट भी करा सकते हैं सो so, अगर अगर जो लास्ट तीसरा पॉइंट है ना क्या है तीसरा पॉइंट कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिट उस केस में बोल रहे कि कंप्लायंस को अपन इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का एक एक्सपेक्ट मानते हैं मतलब अपन परफॉर्मेंस ऑडिट में अपन देखेंगे कि मेन ये तीन ही चीज चेक करते हैं अपन परफॉर्मेंस ऑडिट में ईई एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी तो जो अपन फिर कंप्लायंस ऑडिट अगर परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ अगर करा रहे हैं तो अपन कंप्लायंस ये तीन चीज का देखते हैं कंप्लायंस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ठीक है हम्म hmm, कॉस्टिंग में भी था तुम लोग को एनपीओ में देखना रहता है इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी इकोनॉमी नॉन कमर्शियल एंटरप्राइजेस नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज वाले में ठीक <coughs> है तो so, ये हो गया तुम्हारा कंप्लायंस ऑडिट क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के साथ इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना कंप्लाई कर है कि नहीं सब्जेक्ट मैटर इज इन विद क्राइटेरिया और नॉट दूसरा रेगुलरिटी और प्रोपरटी मेनली ये दो चीज देखते हैं कंप्लायंस ऑडिट में और तीसरा कंप्लायंस ऑडिट कब कब कराते हैं या तो ऑडिट ऑफ पे कराते हैं या तो सेपरेट अलग से कंपोनेंट कराते हैं या तो फिर परफॉर्मेंस ऑडिट के कॉम्बिनेशन में कराते हैं और अगर परफॉर्मेंस ऑडिट के कॉम्बिनेशन में करा रहे हैं तो फिर कंप्लायंस देखना अपना इसी का वन ऑफ दी एफिशियंस इफेक्टिवनेस अब आ जाओ परफॉर्मेंस ऑडिट पे मेन चालू हो रहा है चांसेस है काफी कुछ परफॉर्मेंस ऑडिट से आने की अपन को इसमें क्या क्या देखना है एक तो एक एक एलिमेंट देखना है इकोनॉमी में क्या दिया हुआ है फिर एफिशिएंसी में क्या दिया हुआ है हाइलाइटेड बोल्ड मार्क नहीं हो गया सॉरी एफिशिएंसी बोल्ड होगा एंड इफेक्टिवनेस में क्या दिया हुआ है so, सो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के तो चारों पांचों जो पॉइंट्स दिए अंदर के वो याद करना है अलग से क्वेश्चन आ सकता है चार या पांच नंबर का

डिटरमाइन करना ऑडिट क्राइटेरिया तो इससे एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है छह पॉइंट दिए हुए है एस एम में दिया हुआ भी है शायद तक क्वेश्चन इस पे फिर डेवलप करना ऑडिट क्वेश्चन डिसाइड करना ऑडिट अप्रोच इससे एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है ये एक एक पॉइंट है अपने प्लानिंग के तो ये अपन को करना है उसके बाद एंड लास्टली ये वाला क्वेश्चन करना है कि प्लानिंग के टाइम ऑडिटर क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करेगा ये अलग से एस में क्वेश्चन है और एम का क्वेश्चन है एक्चुअली एस में दिया हुआ नहीं है इसका आंसर ये पुराना क्वेश्चन है जो कि एस एम में चल रहा है एस एम में दिया हुआ है और इसका आंसर जो है ना वो एस एम से उड़ गया मतलब ये जो आंसर दिया हुआ है ना ये एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर है जो तुम लोग के कंपाइलर में भी मिल जाएगा लेकिन ये एस एम में नहीं है भी इंक्लूडेड तो भी मैं इंक्लूड कर दिया नोट्स में मतलब एस एम में ये वाला फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग दर्फॉर्मेंस ऑडिट ये टॉपिक ही अड़ गया लेकिन इसका क्वेश्चन है नीचे एस एम में ठीक है और उसमें फिर रेफरेंस आंसर में दिया हुआ एस एम के टेस्ट या नॉलेज क्वेश्चन के आंसर में दिया है रेफर परफॉर्मेंस ऑडिट तो रेफर परफॉर्मेंस ऑडिट में कहीं मिलेगा नहीं लेकिन इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर आई का यही है आंसर ठीक है तो इसको एक अलग से एज अ क्वेश्चन याद रखना अपन को कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल्ड प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट ठीक है ना तो इतना अपन को कवर करना है परफॉर्मेंस ऑडिट में फिर चालू होगा कॉम्प्रिहिव ऑडिट तो चालू करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट सिंपल है इजी एकदम ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक इसका डेफिनेशन दिया सबसे शुरू में तो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है अपन को परफॉर्मेंस देखना है ना कि एंटिटी कैसे परफॉर्म कर रही है इफेक्टिवली परफॉर्म उसके ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रही कि नहीं इफेक्टिवली एफिशिएंटली ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रही कि नहीं कम इनपुट में कम रिसोर्सेज यूटिलाइज करके वो अचीव कर पा रही कि नहीं एन इकोनॉमी ऑफ रिसोर्सेज कम पैसा यूज करके तो ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस फॉर द परपज ऑफ प्रोवाइडिंग एंड इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ दी परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिविटी प्रोग्राम है ने जैसे यही नरेगा प्रोग्राम है ना वो तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम ही है एक्टिविटी फंक्शन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय पार्टीज विथ रिस्पॉसिबल टू ओवर सी इनिशिएट करेक्टिव एक्शन मतलब कुल मिला के थोड़ा बहुत जो की वर्ड है वो दिमाग में रखना है कि करेक्टिव एक्शन ताकि ले सके इसलिए परफॉर्मेंस ऑडिट करा रहे हैं इससे हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी एफिशियसी बढ़ेगी एक्टिविटीज़ जो हमारी ऑलरेडी ऑन है एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ये सबके लिए परफॉर्मेंस ऑडिट करा रहे हैं ठीक है परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिविटी फंक्शन ये सब के ऊपर इंफॉर्मेशन देना असेसमेंट करना इसके ऊपर ताकि इंप्रूवमेंट हो सके इस पर

कौन करा रहा है परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्टेड बाय ठीक है सीएजी दैट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ साई ओनली साई के दो फंक्शन देखे ना अपन ने एक सीएजी और आईएडी तो वही दिया of है बाय द सीएजी साई थ्रू वेरियस सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ऑफ आईएडी सिंपल है एंड तीसरा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल परफॉर्मेंस ऑडिट यूजुअली एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या मेन तीन चीज देखनी है तीन चीज कौन सी देखनी है अपन को इकोनॉमी एंड इफेक्टिव तो इकोनॉमी में तो तुम लोग को पता है क्या देखते हैं कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर एन एक्टिविटी हैिगार्ड टू अप्रोप्रिएट क्वांटिटी क्वालिटी एंड एट बेस्ट प्राइस एकदम बराबर क्वान्टिटी में देना है सर्विस क्वालिटी भी एकदम अच्छी होनी चाहिए बेस्ट प्राइस पे और कॉस्ट भी कम लगना चाहिए तो फिर अपनी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी ठीक है क्वेश्चन आ सकता है एफिशिएंसी से कि एफिशिएंसी बताओ एफिशिएंसी कैसे देखेगा ऑडिटर परफॉर्मेंस ऑडिटेड में ऑडिटी में ऑडिटिंग एफिशिएंसी एम्ब्रेसेस एस्पेक्ट सच एज वेदर एफिशिएंसी क्या है इनपुट आउटपुट रेशियो यही दिया हुआ है ऐसे में भी इनपुट आउटपुट रेशियो एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड एट द मिनिमम इनपुट कम से कम रिसोर्सेज में मैं मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पा रहा हूं तो वो मेरी एफिशिएंसी हुई और इनपुट इज मिनिमाइज फॉर एनी गिवन क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ आउटपुट एक गिवन आउटपुट के लिए 100 यूनिट इनपुट लगना था तो मैंने 100 से कम इनपुट लिया या 100 घंटे लगने थे तो 100 घंटे से कम लिया 100 रुपए लगने, तो लगने थे तो उससे कम लिया तो ये हो गया तुम्हारा एफिशिएंसी नॉर्मल डेफिनेशन तो याद रहेगी सिंपल है इनपुट आउटपुट रेशियो को डिफाइन करना है अब अपन आते हैं ऑडिटिंग एफिशिएंसी एफिशियम एस्पेक्ट्स सच एज वेदर

कितने सारे ऐसे ही खराब हो जाते हैं धान बारिश वारिश में चावल वावल ठीक है बोरी-बोरी तो वो सब नहीं होना चाहिए प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है एंड है मेरे सारे रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर यूज्ड जो मेरे ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो एकदम एफिशिएंट है ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही तो मेन है ऑपरेशन एक्टिविटी है ना तो ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है मेरे वो एकदम एफिशिएंट है प्रोग्राम एंटिटीज एंड एक्टिविटीज आर एफिशियंटली मैनेज रेगुलेटेड ऑर्गेइज एंड एग्जीक्यूटेड एकदम अच्छे से मैनेज हो रहा है क्या अच्छे से मैनेज हो रहा है प्रोग्राम्स प्रोग्राम मतलब यही सब न रहेगा जन योजना एंटिटीज जो है गवर्नमेंट एंटिटीज गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है सफाई करो सफाई यानी क्या नाम है स्वच्छ भारत सॉरी ठीक है देन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स आर मेट कॉस्ट इफेक्टिवली जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट इफेक्टिवली अचीव हो रहा है कॉस्ट इफेक्टिवली बोल रहा है इसका मतलब इफेक्टिवनेस नहीं है ये एफिशिएंसी क्यों क्योंकि कम कॉस्ट में मैं अचीव कर पा रहा हूँ एंड लास्टली जो मेरा इफिशियंसी का मेन डेफिनेशन है कि मेरे को ऑप्टिम अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज करना है चाहे मेरा स्टाफ हो चाहे मेरा इक्विपमेंट हो चाहे मेरी कोई भी फैसिलिटी हो मेरा रिसोर्स है वो मेरे को उसका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन करना है यूज

एंड ऑल्सो एक और प्रोग्राम से ही पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम में आर मेट कॉस्ट इफेक्टिवली एंड आर रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूटेड एंड एफिशियंटली मैनेज प्रोग्राम से दो पॉइंट बोल लो और लास्टली याद रखना डेफिनेशन ऑफ बेसिक बेसिक डेफिनेशन जो है अपनी एफिशियंसी की वो आखिरी में लिख देना ठीक है यही है तुम्हारा याद रखने के लिए क्या है चार प्रो प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस फॉलोड आर साउंड साउंड रिसोर्सेस आर प्रोटेक्टेड प्रोग्राम से दो मैनेज कॉस्ट इफेक्टिव वे में अचीव हो गए मेरे सारे प्रोग्राम और एक और प्रोसीजर्स जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो एफिशिएंट है एकदम मेरी ठीक है अब इफेक्टिवनेस में क्या करना रहता है इफेक्टिवनेस का क्या होता है मतलब एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी मतलब कि जो मेरा इंटेंशन था और जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट है वो इंटेंशन मेरा अचीव हुआ कि नहीं वही तो है इफेक्टिवनेस अचीव हो पा रहा है कि नहीं मेरा ऑब्जेक्टिव तो वही है तुम्हारा इफेक्टिवनेस <coughs> तो इफेक्टिवनेस ऑडिट करने के लिए ऑडिटर क्या देखेगा परफॉर्मेंस ऑडिट में डिटरमाइन करेगा कि किस एक्सटेंड तक प्रोग्राम डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट अचीव कर पा रहा है अगर नरेगा का रिक्वायरमेंट थी यानी उसका रिजल्ट इंटेंशन तक ही पांच परसेंट तक इंप्लॉयमेंट कम हो जानी चाहिए जो भी तो उतनी कम हो पाई कि नहीं एक्सटेंड तक देखने की क्या प्रोग्राम अचीव कर पाया कि नहीं डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट दूसरा असेस करना इफेक्टिवनेस ऑफ दी प्रोग्राम इंडिविजुअल प्रोग्राम कंपोनेंट एक एक इंडिविजुअल प्रोग्राम जो है एक एक कंपोनेंट उसका उसको असेस करना क्योंकि हो सकता है ओवरऑल तो अच्छा चल रहा है लेकिन उसका एक इंडिविजुअल कंपोनेंट मान लो कोई एक प्रोग्राम अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर उसको बंद करना पड़ेगा इंडिविजुअल प्रोग्राम कंपोनेंट एंड ओवरऑल प्रोग्राम दोनों को असेस करना है इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम कंपोनेंट एंड ओवर प्रोग्राम तीसरा कुछ अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना टू कैरी आउट दी प्रोग्राम डेट डिजायर्ड रिजल्ट मोर इफेक्टिवली एट अ लोअर कॉस्ट कोई और अल्टरनेटिव के थ्रू क्या अपन सेम मेजर अचीव कर सकते हैं क्या अल्टरनेटिव फाइंड करना दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑडिटर विल सी इन इफेक्टिवनेस इससे एमसीक्यू भी आ सकता है कि ऐसे कौन से चार पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो ऑडिटर नहीं नहीं देखेगा इफेक्टिवनेस का और तीन पॉइंट देगा इफेक्टिवनेस के और एक पॉइंट देगा

जो अपना लास्टली इंपॉर्टेंट काम तो वो आएगा ही आएगा इंटरनल कंट्रोल जो रहता है इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम किसके लिए मेजर करने के लिए मॉनिटर करने के लिए एंड रिपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम की कितनी इफेक्टिवनेस है तो इफेक्टिवनेस के लिए अपन देखेंगे कि इफेक्टिवनेस रिपोर्ट कैसे होती है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम सही है कि नहीं वेदर इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट ये ऑडिटर को देखना देन आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम्स मोर इफेक्टिवली और कैसे और प्रोग्राम को इफेक्टिव और किया जा सकता है पांच परसेंट अचीव हो रहा है और कैसे सात परसेंट अचीव कैसे और अच्छे से कर पाए कॉस्ट रिडक्शन कर रहे तो कॉस्ट रिडक्शन से आठ परसेंट कैसे हो आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली एंड असर दोग्राम कॉम्प्लीमेंट डुप्लीकेट ओवर और काउंटर एप्स अदर रिलेटेड प्रोग्राम क्या कोई और प्रोग्राम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे है क्या? क्या क्या कोई और प्रोग्राम का डुप्लीकेट है क्या ये ये सब भी देखना पड़ेगा इफेक्टिवेस दो प्रोग्राम जबरदस्ती गवर्नमेंट खर्चा उठा रही है जबकि सेम प्रोग्राम दोनों अलग अलग जगह चल रहे हैं। तो इसको याद कैसे करना है <coughs> तुषार तो कपूर गोलमाल मूवीज देखे हो ना हाँ तो वो वैसे बोलते है ई आई ए ना? तो वो आया था अपने एमसीएस में वो आके लॉ एंड रेगुलेशन को इफेक्टिवली समझाया

एमसीएस है अपना मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग दी इफेक्टिवनेस रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस मैंने एमसीएस में क्यों आया था अपने लॉ एंड रेगुलेशन बताने के लिए तो ये वाला पॉइंट लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू दी प्रोग्राम उसका कंप्लायंस असेस करना जो प्रोग्राम को एलएनआर एप्लीकेबल है वो उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं तो लॉ एंड रेगुलेशन उसने कैसे बताया मोर इफेक्टिवली अच्छे से बताया एमसीएस में तो अच्छे से ही पता चलते सारी चीजें मोर इफेक्टिवली पता चलती है अपने को तो मोर इफेक्टिवली आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम इफेक्टिव हाउ द प्रोग्राम कैन बी मेड मोर इफेक्टिव एंड लास्टली उसको बहुत ज्यादा अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले फिर तो क्या कोई प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसी और प्रोग्राम को या डुप्लीकेट प्रोग्राम है या ओवरलैप कर रहा है या काउंटर एक्ट कर रहा है अदर रिलेटेड प्रोग्राम्स को ठीक है तो इफेक्टिवनेस भी याद हो गया सारे पॉइंट्स ठीक है अब आ जाओ प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट प्लानिंग करनी है अब अपने को तो पहले तो मैं ओवरऑल नौ पॉइंट जो दिए हुए हैं नौ दस पॉइंट वो बता दे रहा हूं जो स्टेप्स दिया हुआ है जब तुम परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हो उसके बाद एक एक पॉइंट देखेंगे ठीक है तो फॉलोइंग स्टेप्स आर सजेस्टेड टू दी ऑडिटर्स फॉर प्लानिंग वाइल कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट तो अंडरस्टैंड करना एंटिटी और उसके प्रोग्राम को सबसे पहले तो यही करते हैं ऑडिटर कोई भी ऑडिट हो फिर एंटिटी और उसके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना दूसरा ऑब्जेक्टिव एन स्कोप ऑफ ऑडिट डिटरमाइन करना जो जनरली करते ही है फिर ऑडिट क्राइटेरिया ऑडिट का क्राइटेरिया क्या है कैसे ऑडिट अपन करने वाले क्या क्या देखेंगे क्या क्या चीजें एविडेंस लेंगे ठीक है डिटरमाइन करना ऑडिट क्राइटेरिया फिर अपन अपना अप्रोच डिसाइड करेंगे कि अपन कैसे ऑडिट को आगे प्रोसीड करेंगे फर्दर ऑडिट क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के बाद डिसाइड किया अपन ने ऑडिट अप्रोच फिर डेवलप किया अपना क्वेश्चनर डेवलप ऑडिट क्वेश्चन एंटिटी को देंगे क्वेश्चन बता भाई असेस करेंगे अपनी जो ऑडिट टीम है उसकी क्या स्किल्स है एंड वेदर अपनी ऑडिट टीम पुसअड्डी यानी थोड़ी कम अच्छी है क्या तो एक्सपर्टीज बाहर की लेनी पड़ेगी क्या आउटसाइड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है क्या तो असेस करना है अपन को अपनी ऑडिट टीम की स्किल्स एंड वेदर आउटसाइड एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड देन प्रिपेयर ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स एक बनता है जैसे तुम्हारा ऑडिट प्रोग्राम रहता है वैसे ही टाइप का एक कॉलमनर ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स होगा तुम्हारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए क्या अचीव हुआ क्या मेजर्स रिव्यू जो भी तो ये डिज़ाइन एक ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स बनता है एडीएम प्रिपेयरिंग ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स एंड लास्टली एस्टेब्लिश करना टाइम टेबल और रिसोर्सेज कैसे कैसे मेरे को इम्प्लॉय करना है कितना स्टाफ मेरे को कहा इंप्लॉय करना है कितना टाइम कितना डिवोट करना है मेरे को पे. को पे एंड करना ऑडिट ऑडिट प्रोग्राम किसको एंटिटी ठीक है तो ये ओवरऑल पॉइंट्स है अब सबसे पहला पॉइंट जो है उससे अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो एंटिटी को और उसके प्रोग्राम को तो क्या सोर्सेज यूज करोगे ऑडिटर क्या सोर्सेज यूज करोगे सोर्सेज यूज बाय ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स प्रोग्राम ठीक है ऑडिटर में यूज फॉलोइंग सोर्सेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी क्या क्या सोर्सेज दिए जैसे कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी तो डॉक्यूमेंट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी पॉलिसी फाइल एनुअल रिपोर्ट बजट डॉक्यूमेंट अकाउंट्स मिनट्स इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन दिए इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से भी अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंटिटी को इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस एमआईएस रिपोर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन मटेरियल्स आरटीआई भी कई किसी ने कराया होगा एंटिटी के ऊपर तो वो आर भी पब्लिश हो जाता है लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री क्वेश्चन डिबेट्स रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चन और डिबेट्स के लिए अभी वो अनाउंसमेंट हुआ है देखे थे थे तुम लोग ऐप <coughs> बनाई है गवर्नमेंट कि तुम्हारे जो एम एल एज एम पीस है वो पार्लियामेंट में क्या डिस्कस कर रहे हैं वो तुम सुन सकते हो उसके लिए ऐप बनाए अभी गवर्नमेंट ने बनाई है तो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट्री क्वेश्चन एंड डिबेट्स रिपोर्ट्स ऑन पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड तुम्हारी ये सबकी रिपोर्ट्स ये सब तुम्हारे लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स हो गए कमिटी की रिपोर्ट सारे तीनों कमिटी का नाम लिख देना उसके रिपोर्ट ये तुम्हारे लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे और पॉलिसी डॉक्यूमेंट जैसे कि प्लानिंग कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स ये तुम्हारे हो गए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ठीक है देन अकेडेमिक और स्पेशल रिसर्च किसी ने किया होगा अगर एंटिटी के ऊपर तो तुम वो रिपोर्ट भी यूज कर सकते हो तो इंडिपेंडेंट इवेल्यूएशन ऑन द एंटिटी अकेडेमिक पास्ट ऑडिट अलग पॉइंट है एकेडमिक एंड स्पेशल रिसर्च अलग पॉइंट है ठीक है एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च एक है पास्ट ऑडिट यहाँ अलग पॉइंट है पास्ट ऑडिट्स को तुम यूज कर सकते हो कि पास में ऑडिट में क्या चीजें पता चली थी पास्ट ऑडिट्स पास्ट फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द एंटिटी प्रोवाइडिंग अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड मीडिया कवरेज मीडिया से भी पता चल सकता है टीवी में क्या चल रहा है न्यूज पेपर में क्या छपा है एंटिटी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया

<coughs> तो स्पेशल फोकस ग्रुप्स होते हैं उनका डिस्कशन देखना तो देखो बाजू में अपन को इसको एज अ पिक्टोरियल मेमोरी याद रखनी है कि आग बंद करे तो पिक्चर तीन पिक्चर अपन को याद आनी चाहिए एक तो डॉक्यूमेंट ठीक है डॉक्यूमेंट याद आ रहा है देख के दूसरा क्या दिख है मीडिया कवरेज ठीक है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक जो भी मीडिया तुम्हारी और तीसरा फोरम ग्रुप फोकस ग्रुप डिस्कशन स्पेशल फोकस ग्रुप और डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीजें अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या डॉक्यूमेंटेड है अपना एक तो जो हमने रिसर्च किया था एकेडमिक पास दूसरा पास ऑडिट के डॉक्यूमेंट हमारे इस डॉक्यूमेंट के फाइल के अंदर है ठीक है तो कितने पॉइंट हो गए अपने सारे पॉइंट हो गए आग बंद करके याद आ रहा है डॉक्यूमेंट से तीन पॉइंट है डॉक्यूमेंट से और तीन पॉइंट है लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ दी एंटिटी ठीक है ना और डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपना क्या थे एकेडमिक रिसर्च और स्पेशल रिसर्च एंड पास्ट ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स पास्ट ऑडिट से जो मिला था अपने को स्पेशल फोकस ग्रुप मीडिया कवरेज सारे पॉइंट्स ठीक है याद रहेगा ऐसे याद रखना इसको याद आ जाएगा बंद करोगे तो। आपको एक डॉक्यूमेंट याद आ जाएगा से याद आ तीन तो डॉक्यूमेंट के पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट एंड एनडीटी के डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंटेड क्या डॉक्यूमेंटेड करके रखे अपन ने ठीक है स्पेशल फोकस ग्रुप ठीक है अब आ जाओ डिटरमाइन करना ऑडिट क्राइटेरिया तो ऑडिट क्राइटेरिया क्या होता है प्रोग्राम एक्सपेक्टेशन मीट आउट कर रहे कि नहीं हा हा मीट क्या उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा और अच्छी बात है एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे हो तुम कि नहीं यही है मेन ऑडिट क्राइटेरिया मतलब अपन को देखना कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उस पर तुम खड़े उतरे हो कि नहीं जो हमारे एक्सपेक्टेशन थी तो डिटरमाइन करना ऑडिट क्राइटेरिया ऑडिट क्राइटेरिया आर टू डिटरमाइन प्रोग्राम मीट्स और एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन क्या ये इट प्रोवाइड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट इससे अपन को ऑडिट का जो अपना रिजल्ट आया वो समझ में आ जाएगा क्यों क्योंकि अगर अपन को समझ में आ जाएगा कि एक्सपेक्टेशन अगर आपने मीट आउट कर लिया इसका मतलब ऑडिट का रिजल्ट समझ में आ जाएगा पॉजिटिव है सही सही ऑडिट हो गई है एंड ऑडिट क्राइटेरिया के लिए ऑडिटर क्या क्या सोर्सेज यूज करेगा ये अलग क्वेश्चन आ सकता है एसएम है भी शायद एक क्वेश्चन ऑडिट क्राइटेरिया मे बी सॉट टू बी ऑप्टेन फ्रॉम दोर्सेस ऑडिट क्राइटेरिया के लिए अगर पूछेगा सोर्सेज तो ये आएगा और ऊपर में क्या के सोर्सेस थे अंडरस्टैंड करना है एंटिटी को तो उसके लिए क्या ऑडिटर कौन से सोर्सेज यूज करेगा ठीक है ठीक <coughs> है ना तो क्या ऑडिट मे बी बी टू फ्रॉम द फॉलोइंग क्राइटे क्या है प्रोसीजर मैनुअल्स ऑफ द एंटिटी पॉलिसी स्टैंडर्ड डायरेक्टिव गाइडलाइंस क्राइटेरिया यूज सेम एंटिटी या अदर एंटिटी सिमिलर एक्टिविटी और कोई सिमिलर एक्टिविटी में जो एंटिटी इन्वॉल्व है या कोई सिमिलर एंटिटी है हमारे जैसी वो क्या क्राइटेरिया यूज करती है अपने एक्सपेक्टेशन को मीट हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन लो नो हाउ सकते हो ठीक है, है सिंपल पॉइंट में आ रहा है प्रोसीजर्स मैनुअल पॉलिसी स्टैंडर्ड क्या है डायरेक्टिव क्या है गाइडलाइंस क्या है ये सब देखना क्राइटेरिया इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन के थ्रू तुम लोग ऑडिट क्राइटेरिया ऑपटेन कर सकते हो मतलब सोर्सेस पता कर रहे ना, कहा से ऑडिट है ऑडिट क्राइटेरिया देखेगा पता कैसे चलेगी उसको ऑडिट क्राइटेरिया क्या है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन से न्यू स्टेब्लिश साइंटिफिक नॉलेज से या फिर अदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन से या फिर जनरल मैनेजमेंट या सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर से तो याद कैसे करना है तुम लोग शादी के लिए लड़का देख रहे हो तो घर में क्या पॉलिसी है कैसा होता है मतलब डायरेक्शन क्या है दादाजी का डायरेक्शन क्या है क्या गाइडलाइन दी गई है ठीक है तो एक हो गया तुम्हारा पॉलिसी स्टैंडर्ड डायरेक्टिव गाइडलाइन वाला पॉइंट फिर प्रोसीजर प्रोसीजर क्या है ऑफ द एंटिटी मतलब पहले लड़के वाले आएंगे कि हम जाएंगे है ना प्रोसीजर क्या है लड़के वाले आएंगे पहले देखने ठीक है तो पहला पॉइंट हो गया प्रोसीजर मैनुअल्स ऑफ द एंटिटी उसके बाद तुम लोग इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन लोगे फ्रेंड वेंड का मशुरा इससे करनी चाहिए कि नहीं भाई तो तुम्हारा जो फ्रेंड है वो क्या बोल रहा है नहीं भाई मत कर उससे मेरे को कैसा चाहिए लड़का मेरी क्राइटेरिया है क्राइटेरिया बी एस सी प्लस एमबी होना चाहिए लड़का ठीक है तो क्राइटेरिया से थर्ड पॉइंट हो गया क्राइटेरिया यूज बाय दी और अदर एंटिटी बीएससी से तुम्हारा हो गया साइंटिफिक नॉलेज वाला साइंटिफिक नॉलेज है अदर इंफॉर्मेशन और एमबीए मतलब जनरल मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैटर की लिटरेचर रिसर्च पेपर जो है जनरल मैनेजमेंट स्टडी वाला ठीक है याद रहेगा ये भी छह पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं चार नंबर के लिए डिटरमाइन करना ऑडिट क्राइटेरिया ऑडिट क्राइटेरिया क्या होता है स्टैंडर्ड यूज ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर एंटिटी मीट आउट और एक्सीड दी एक्सपेक्टेशन इससे रिजल्ट पता चल जाता है ऑडिट का एंड इसको पता करने के लिए ऑडिटर क्या क्या सोर्सेस के थ्रू ऑप्टेन करेगा ऑडिट क्राइटेरिया उसके लिए ये दिए। क्या पॉइंट्स है पॉलिसीज़ डायरेक्टिव आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन क्राइटेरिया दैट इज सिमिलर दैट इज अडॉप्टेड बाय सिमिलर एंटिटीज और सिमिलर क्राइटेरिया एक्टिविटीज नॉलेज और अदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन वहां से भी ले सकते हो जनरल मैनेजमेंट लिटरेचर रिसर्च पेपर वगैरह से भी ले सकते हो देन डिसाइड करना ऑडिट अप्रोच तो अब तो तुम अपना ऑडिट अप्रोच डिसाइड कर रहे हो तो उससे अलग एक क्वेश्चन आ सकता है फिर अगेन चार या पांच नंबर के लिए कि सम ऑफ मेथड दिच कुड बी यूज्ड इन कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट इंक्लूड कि किस मेथड से तुम अपना परफॉर्मेंस ऑडिट

तो उसमें तुमको लिखना है डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच ऑडि पॉइंट इन कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट इंक्लूड या तो मैं एग्जिस्टिंग डेटा जो मेरे पास ऑलरेडी है वो मैं यूज करूंगा सिंपल <coughs> है याद करने के लिए देखो कैसे याद या तो करना है या तो मैं मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ इकोनॉमिक लॉ के पेपर में केस स्टडी ढूंढता हूँ जो मेरे पास अगर लॉ है तो लॉ देखता हूँ एग्जिस्टिंग डेटा नहीं तो मैं केस स्टडी ढूंढता हूँ स्टडी का पेपर तो केस स्टडी मैं केस स्टडी में मिलेगा क्या केस स्टडी में भी नहीं है तो मैं सर्वे आजू बाजू पूछ लो ठीक है फिर एनालिसिस के तीन पॉइंट है प्रोसीजर एनालिसिस रिजल्ट का एनालिसिस करो तुम्हारा क्या प्रोसीजर तुमने अप्लाई किया वो उसको एनालिसिस करो एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ठीक है तो एग्जिस्टिंग डेटा में इन्वेस्टिगेट द डेटा हेल्ड द एंटिटी मैनेजमेंट एंड बाय अदर रेलेवेंट सोर्सेस केस स्टडी में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ़ एंटिटी मिल जाएगी स्कीम प्रोग्राम जो भी है तुम्हारा वो केस स्टडी में मिल जाएगा तुमको स्कीम क्या है प्रोग्राम क्या है इट इन्व एसिसक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम्बर ऑफ अ पॉपुलेशन में पॉपुलेशन तो, कौन है तुम्हारी यहाँ पे तुम्हारी एग्जाम क्लास मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेंबर ऑफ पॉपुलेशन टू असेस दी इंटर रिलेशन ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन देखिए क्या करते हैं सर्वे सप्लीमेंट दी ऑडिट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन अपने ऑडिट फाइंडिंग जो मिली अपने और जो कंक्लूजन मिला उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं सप्लीमेंट करते हैं ना सपोर्ट करता है क्योंकि सर्वे करने के बाद भी अगर ओपिनियन वही आ रहा है सेम आ रहा है तो तुम फिर वही आंसर लिख सकते हो जो तुमको मिला या तुम्हारे मटीरियल में ठीक है

Earnings देखो earnings पर कितना हुआ है है मतलब तो कितने लोग, number of people, कितने employee हुए, कितने लोग हुए लोगों को भट्टा दिया गया जो भी तुम्हारा प्रोग्राम था बेनिफिशियरी क्वॉन्टिफाई करना तो ये तुम्हारा हो गया डिसाइडेड ऑडिट अप्रोच क्वेश्चन कैसे आ सकता है मेथड्स मीन्स जो कंडक्ट conduct करोगे कंडक्टिंग दी परफॉर्मेंस ऑडिट ठीक है फिर बाकी बाद में नॉर्मल है सिंपल है डेवलप करूंगा मैं ऑडिट क्वेश्चन असेस करूंगा मेरी जो ऑडिट टीम की स्किल क्या है क्या मेरे को आउटसाइड एक्सपर्टीज की जरूरत है क्या फिर प्रिपेयर करूंगा मैं ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स में क्या बना रहा हूं अभी ऑडिट प्रोग्राम बना रहा हूँ ना तो ऑडिट प्रोग्राम कैसा बनता है टेब, टेबुलर फॉर्मेट में देखे हो ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स टाइप से हो गया वो भी क्या है ये इट इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड हाईली फोकस्ड अप्रोच टू डिजाइन अ परफॉर्मेंस ऑडिट स्टडी

फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग दी परफॉर्मेंस ऑडिट अलग से एम टीपी का क्वेश्चन है और एस एम में भी क्वेश्चन बताया ठीक है नहीं, में? यही आंसर जो याद रखने के लिए तो क्या है वाइल प्लानिंग ऑडिट ऑफ शुगर इंडस्ट्री ऑडिटर शुड टेक केयर ऑफ सर्टेन फैक्टर्स विच आर लिस्टेड बिलो ये मैं आंसर को ही कॉपी किया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन था शुगर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस ऑडिट audit करना ऑडिटर को तो वॉट आर दर नीड्स टू टेक केयर ऑफ फैक्टर्स दैट दल टेक केयर ऑफ इन परफॉर्मेंस ऑडिट ठीक है फैक्टर से बोलेगा तो ये या आंसर याद रखना तो इसको कैसे याद रखना बता दू मैं तीन तीन पार्ट में डिवाइड करके याद रखना है एक तो ऐसे तीन सौ पांच सौ छह सौ एक हो गया नीड यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की जो नीड है वो क्या है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स है ऑडिट रिपोर्ट के जो यूजर्स है उनकी क्या नीड है लॉ की क्या नीड है लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है? है और मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट ये तीन पॉइंट हुआ और लास्ट के तीन पॉइंट सीएफएस सीएफएस बोले तो बता दो ठीक है तो तीन सौ पांच सौ छह सौ से तुम्हारे सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ पॉइंट देख लो तीन सो मतलब क्या होता है ऑडिट प्लान करना तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम टू बी ऑडिटेड प्लानिंग कर रहा हूं मैं प्रोग्राम देख रहा हूं मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं उसको प्रोग्राम को अंडरस्टैंड टू बी ऑडिट ऐसे तीन सौ ऐसे पांच सौ में तुम्हारा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था ऑडिट एविडेंस को कैसे ऑप्टेंड करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस

पांच सौ छह सौ तीन सौ तीन सौ पांच सौ छो याद है तीन पॉइंट हो गए अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम क्या डेटा है जो अपन यूज कर सकते हैं टू ऑपटेन ऑडिट एविडेंस एंड दी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दोस एंड यूजिंग वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट फिर देखो शुरू का पॉइंट क्या है कंसिडर द सिग्निफिकेंस एंड द नीड्स ऑफ पोटेंशियल यूजर्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट क्या नीड है लीगल लॉ की क्या नीड है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट यूजर तो ऑडिट रिपोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट है लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है एंड मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है हमेशा कि हमारे कंट्रोल्स अच्छे हो तो कंसिडर मैनेजमेंट कंट्रोल्स और बचे तीन पॉइंट सी एफ एस सी से क्या है आइडेंटिफाई करना है मेरे को क्राइटेरिया नीड टू इवेल्युएट मैटर सब्जेक्ट टू दी ऑडिट सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करने के लिए मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्राइटेरिया क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को मैं किसके बेसिस पे इवेल्युएट करता हूँ क्राइटेरिया के बेसिस पे और दोनों का आउटकम क्या होता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन फिर आइडेंटिफाई करना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट्स दैट कुड अफेक्ट द करंट ऑडिट ऑब्जेक्ट जो पिछले साल फाइंडिंग्स मिली थी तो एफ से फाइंडिंग फाइंडिंग कौन सी पिछले ऑडिट की और लास्टली लास्ट एस से सफिशियंट स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज टू डू ऑडिट ठीक है आंसर याद तीन तीन करके तीन सौ पांच सौ छह सौ सी एफ एस एंड नीड ऑफ यूजर द ऑडिट रिपोर्ट नीड ऑफ लॉ रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल्स क्या हो गया ठीक है अब आ जाओ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट पे तो देखो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या बोलता है सीएजी कंडक्ट्स एंड एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट अदर देन द फील्ड विच हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इंटरनल ऑडिट और बाय द प्रोफेशनल ऑडिटर्स जो अपन प्रोपर्टी ऑडिट ऊपर में परफॉर्मेंस ऑडिट में अगर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसके अलावा और कौन सी फील्ड बची है इसमें भी परफॉर्मेंस एलिमेंट से देखेंगे ठीक है अदर देडी बीन कवर्ड

द एक्सपेंडिचर करना किया है क्या हैव दी प्लानड प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट्स बीन अचीव्ड जो मेरा प्लानड प्रोडक्शन लेवल था और एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल क्या है प्लान वर्सेस एक्चुअल हैज दी प्लानड रेट ऑफ रिटर्न बीन अचीव मेरा जो प्लानड रेट ऑफ रिटर्न था और मेरा जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न था ठीक है प्रोजेक्ट मैंने जो फॉर्म्युलेट किया था और जो मैंने इंप्लीमेंट किया अचीव हुआ क्या प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन क्या अचीव हो गया क्या ठीक है तो प्लान वर्सेस एक्चुअल में क्या क्या याद रखना चार पॉइंट प्रोडक्शन कैपिटल कॉस्ट प्लान रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट और रेट ऑफ रिटर्न दो तो ऐसे याद रहेगा एक तो कॉस्ट और एक रिटर्न प्लांट प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन अचीव हुआ है कि नहीं ठीक है फिर रे रे वर्सेस प्रो प्रो में है रेरे रे से दो रे तो फाइव और सिक्स में आरी से रिसर्च और सिक्स में रिपेयर तो, तो, तो एंटरप्राइज हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रिसर्च और डेवलपमेंट के अलग से प्रोग्राम है क्या इफ द एंटरप्राइज के अलग से सिस्टम है क्या रे रे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम

Raw material, जो हो है, उसमें नहीं होनी चाहिए इनपुट में डाल रहा ही ही आना ratio, अगर 100 तो 95 का है ठीक मतलब तो है तो, तो प्रोपर्टी ऑडिट में क्या क्या दिया हुआ है फिर देखते अपन प्रोपर्टी ऑडिट में दिया हुआ है। क्या देखते थे रेथमेटिकल एक्यूरेसी ऑलरेडी बता चुका हूँ एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशन ये सब के अलावा थ्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ दिकल सही सही खर्चा वाकई में सही सही तुमने बताया ना प्रोपर्टी ऑडिट स्टैंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन दी टेस्ट ऑफ याद रखना पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए पब्लिक के हित में होना चाहिए जो तुम कर रहे हो दूसरा ये चीज चेक करने की जो कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम है उसके जैसा ही है ना मतलब यहाँ से जाने का यहाँ तक जाने का खर्चा अगर सौ रुपये लगता है पेट्रोल का तो तुम

टॉप मैनेजमेंट लेवल में जो एक्शन वो लोग ले रहे हैं डिसीजन जो ले रहे हैं क्या वो डिसीजन सही लिए इन द सर्कमस्टेंसेज सही लग रहा है ना वेस्टफुल तो नहीं लग रहा है ना पब्लिक इंटरेस्ट में है ना ये सब स्क्रूटनी करना है एग्जीक्यूटिव के एक्शन को एंड एंडीजन बियरिंग ऑन फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन ऑफ कंपनी ठीक है प्रोपर्टी रिक्वायर द ट्रांजेक्शन एंड मोर पर्टिकुलरली एक्सपेंडिचर टू कंफॉर्म टू सर्टेन जनरल प्रिंसिपल चार जनरल प्रिंसिपल दिए हुए हैं तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑडिट के लिए क्वेश्चन अलग से आ सकता है चार नंबर के लिए जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोपर्टी ऑडिट ठीक है तो चार प्रिंसिपल क्या है कि जो एक्सपेंडिचर मैंने किया है वो अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूँ ना तो जितना ऑकेशन डिमांड करती है उतना ही खर्चा किया है ऐसा अपन को चेक करना है पहला प्रिंसिपल तो ये बोलता है अपने कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ है पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी री वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी अगर मैं खुद का पैसा यूज करता तो क्या मैं उतना ही पैसा यूज करता है? ना ठीक है तो एक्सपेंडिचर इज नॉट पर मोर देन वॉट द ऑकेशन डिमांड्स एंड प्रूडेंट नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन जो अगर खर्चा करता प्रूडेंट वे में तो वो उतना ही खर्चा करता अगर वो खुद का मनी सोच के खर्चा करता तो ठीक है

आर नॉट यूटिलाइज फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए बेनिफिट के लिए फंड यूटिलाईज नहीं करना है पब्लिक एज ए होल के लिए यूज करना है ठीक है ना अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेमुनरेशन और रिवॉर्ड जो तुम्हारा नॉर्मल रेमुनरेशन मिलता है रिवॉर्ड जो तुमको मिलता है इंसेंटिव उसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा तुमको ठीक है इन नो अदर रेवेन्यू इज कैप्ट ओपन टू इनडायरेक्टली बेनिफिट दी

तो वो जो छो मैटर है ना वो प्रोपर्टी एलिमेंट ही है अगर देखा जाए तो तो वो बोल रहे कि सेक्शन वन फोर्टी थ्री वन में ऑलरेडी ऑडिटर को करना ही है फिर सेक्शन वन फोर्टी सिक्स और सेवन जो है सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड टेस्ट ऑडिट वो भी एक प्रकार से प्रोपर्टी ऑडिट टाइप से ही उसमें नेचर इन्वॉल्व है उसमें ठीक है तीसरा सेक्शन 148 रिलेटिंग टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट करने का मेन उद्देश्य क्या था कि एंटिटी अपने कॉस्ट पे ध्यान रख सके कॉस्ट पे ध्यान रख सके इन द सेंस प्रोपर्टी एलिमेंट इन्वॉल्व है वहां पे भी और चौथा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन पार्ट टू ऑफ शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री का पार्ट टू क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट वन बैलेंस शीट होता है पार्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस होता है पार्ट थ्री का ठीक है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी पार्ट टू ऑफ शेड्यूल थ्री में रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारा प्रोपर्टी एलिमेंट वहां पे भी इन्वॉल्व है ही क्योंकि दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना कमाई कितना खर्चा हुआ कितना इनकम हुआ ठीक है उससे रिलेटेड जो भी को इन्फॉर्मेशन डिस्कलोज करनी है वो भी प्रोपरटी एलिमेंट तो है तो रेलिवेंट प्रोविजन डेट इज इन्वॉल्व इन दंपनी कंपनी एक्ट तेरह में वन फोर्टी थ्री सबसे पार्ट टू ऑफ शेड्यूल थ्री अब वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन वन अपन करते हैं इसकी मेमोरी टेक्निक है याद रख लो ए बी सी डी ई एफ ठीक है छह मैटर याद के लिए ए बी सी डी ई एफ ए से एडवांसेज है तो जो एडवांस है जो भी सिक्योर्ड लोन्स हैं और सिक्योर्ड एडवांस है डेट आर नॉट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स एडवांस अगर मैंने किया है तो कल अपन ने देखा था कारों में कि अगर मैंने एडवांस दिया है तो डेट शॉल नॉट बी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर तो उससे रिलेटेड अंदर में कुछ मैटर दिया कि मेरे को इंक्वायर करना है कि टर्म जो है वो एज डर प्री जुडिशियल है क्या इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में है ना शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में है ना

तो बुक एंट्री से अगर ऐसा है कोई एंट्री तो क्या वो प्री जुडिशियल है क्या टू दी इंटरेस्ट ऑफ दी कंपनी उससे रिलेटेड मैटर तुम लोग अंदर के पॉइंट्स लिखने हैं याद रखना थोड़ा बहुत पढ़ लेना अंदर के पॉइंट क्योंकि मैंने देखा है छह नंबर का आया था क्वेश्चन अंदर के पॉइंट्स नहीं लिखे थे दो ही नंबर मिला था सबको याद रखन थ्री सबसेक्शन 1 ठीक है देन वेदर इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी अदर देन बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट कंपनी बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो काम ही होता है इन्वेस्ट करना दूसरों में क्योंकि बहुत पैसा होता है उन लोगों के पास काम ही यही है लेकिन उसके अलावा तुम्हारी अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट की थी और वो शेयर डिवेंचर या अदर कोई भी सिक्योरिटी में तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना उसको तुमने कॉस्ट से कम में बेचा तो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है उसने अगर कॉस्ट से कम में बेचा मतलब लॉस में बेचा तुमने अगर मोटा मोटी तो ऑडिटर को देखना है तो इसके अंदर याद रखना क्या लिखना है इसके अंदर ये लिखना है कि यहाँ पे हमारा ये नहीं है कि लॉस में क्यों बेचा सॉरी ये ये कि कि में, में बेचना पड़ा ऑडिटर का ये इंटेंशन होता है यहाँ पे ठीक है प्रोपर्टी एलिमेंट समझ में आ रहा है किस सर्कमस्टेंसेज में क्यों बेचना पड़ा लॉस में लेस देन कॉस्ट तो सी से क्या है अपना

जो कि मैंने कैश में अलॉट किया मतलब अगेंस्ट कैश मैंने शेयर अलॉट किए हैं अगर तो कैश मिल गया है कि नहीं मेरे को ये देखना है कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट और नॉट और अगर कैश नहीं मिला है एंड इफ नो सच कैश हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड तो वेदर द पोजीशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट स्टेट इज करेक्ट मतलब कैश नहीं मिला ये दिख रहा है कि नहीं बैलेंस शीट में मेरे बुक्स में कि मेरे को इससे इतना कैश लेना है अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट मैंने इसको शेयर अलॉट किया को इससे बैंक से, से इतना पैसा मिलने वाला है एप्लीकेशन मनी इतना बचा है कॉल मनी इतना बचा है जो भी ठीक है ए बी सी डी एफ ए से एडवांसेस बी से बुक एंट्री कॉस्ट डिपॉजिट्स एक्सपेंसेस फॉर कैश ठीक है प्रोपर्टी एलिमेंट कारो ट्वेंटी ट्वेंटी अपन पढ़ने ही वाले हैं पूरा डिटेल में उसके ये क्लॉजेस में प्रोपर्टी एलिमेंट इन्वॉल्व है इतना याद रखना तुम लोगों को क्लॉज वाइज ठीक है एंड प्रोपर्टी एलिमेंट में लास्टली क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम आ सकते एलिमेंट में प्रोपर्टी क्या इसको मेजर कर सकते हो क्या तुम कि ये खर्चा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था मेजरेबल है क्या सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नहीं है मॉरल टर्म्स है एक्चुअली मॉरल टर्म है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नॉर्म्स होता है कुछ कि ये सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल है नहीं एक्सेप्टेबल है तो नहीं है अपन ऊपर पड़े ना एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी या फिर कंडम कस्टम्स कंडक्ट प्रोफेशनल कंडक्ट और एक क्या था स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट है ना तो ये देखो क्या दिया मॉरल टर्म एंड कैन बी अंडरस्टूड बाई रेफरेंस टू दी कंसेप्ट ऑफ मॉरलिटी एक्सेप्टेड बाई दोसाइटी जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में अपना जो फाइनेंशियल और लीगल रिक्वायरमेंट रहता है ये प्रपोजिशन अपन क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं ना लेकिन प्रोपर्टी ऑडिट में थोड़ा सा दिक्कत होती है वेरीफाई करने में कैसे समझोगे कि खर्चा गलत किया हुआ है नहीं किया हुआ है कैसे बोलोगे तुम करना वो बोलेगा मेरे हिसाब से करना चाहिए था सब्जेक्टिव एलिमेंट इन्वॉल्व ठीक है इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी दूसरा प्रॉब्लम क्या है सब्जेक्टिविटी पे इन्वॉल्व बहुत ज्यादा इसमें इनहेरेंट एलिमेंट है रह गई वो हमेशा इनहेरेंट है वेरी डिफिकल्ट टू स्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्ट जो अपन प्रोपर्टी की डेफिनेशन पढ़े थे पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स होना चाहिए स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्ट में आना चाहिए तो ये कितना डिफिकल्ट है एस्टेब्लिश करना तुम्हारे हिसाब से कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम है मेरे हिसाब से नहीं है है ना तो बाय लेइंग डाउन दी स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोपर्टी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सी सीएजी ने रियली ट्राई किया है कि ये प्रैक्टिकली इसको प्रॉब्लम को कम किया है तो सीएजी ने ले डाउन किया स्टैंडर्ड्स कुछ फॉर प्रोपर्टी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ठीक है। <coughs> फिर क्या दिया <coughs> नॉर्मल प्रॉपर्टी में इप्सो फैक्टो अप्लाय होता है ट्रांजेक्शन और प्राइवेट सेक्टर को भी जो अपना इप्सो फैक्टो मतलब एक्चुअली में समझो फैक्ट फैक्ट वाइज देखे तो प्राइवेट एलिमेंट को कई बार हो सकते कि apply ना हो प्रोपर्टी एलिमेंट प्राइवेट एलिमेंट क्या देखते हैं कि फाइनेंशियल है, इतना इतना पैसा है कमाई सही सही रिपोर्टिंग सही सही हुई है सही सही अकाउंटिंग सारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई हमने किया ठीक है जबकि अपने जो गवर्नमेंट एंटिटी में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है ठीक है इसलिए पब्लिक एंटिटी जो अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इस केस में प्रोपर्टी एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है

एंड डिस्पाइट इतना अलग अलग क्लियर एंगुलरिटी है दोनों के बीच में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में स्टिल कुछ कॉमननेस के कारण पॉलिसीज एंड अप्रोचेज ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट डेट इज वहां पे भी प्राइवेट एंटिटी में भी कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर प्रोपर्टी की एलिमेंट वहां पे भी एप्लीकेबल होती है जैसे कि एफिशिएंट ऑपरेशन प्राइवेट एंटिटी में भी एप्लीकेबल हो गई वो लोग थोड़ी ना चाहेंगे कि हमारा इन एफिशियंट ऑपरेशन हो हाइयर प्रोडक्टिविटी वो लोग भी चाहेंगे हाइयर प्रॉफिट वो लोग भी चाहेंगे रिडक्शन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वो लोग भी चाहेंगे ही चाहेंगे, चाहेंगे। तो इवन दो कई जगह डिफरेंसेस है प्राइवेट और पीएस में लेकिन कॉच कॉमननेस है जिसमें प्रोपर्टी तुम वहां पे भी घुसा सकते हो एंड इट इज फेल्ड दैट इफ द मैनेजमेंट ऑफ ईच एंटिटी ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट फॉर्मुलेट्स नॉर्म्स ऑफ फॉर द एंटिटी टेकिंग फुल नोट ऑफ वाइडर सोशल रिपरकेशन इनहेरेंट इन इट्स ऑपरेशन ये बोल रहे कि ऐसा पाया गया है कि चाहे फिर वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो दोनों कंसीडर करते ही है प्रोपर्टी के एलिमेंट को अपने एंटिटी पे अप्लाई करते ही है प्रोपर्टी एलिमेंट्स क्योंकि वो लोग को भी प्रॉफिट चाहिए हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए एफिशियंट ऑपरेशन चाहिए ठीक है देन प्रोपर्टी एक मॉरल एलिमेंट है एंड शुड बी अ मैटर ऑफ रेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड प्रीवेलिंग सरकमस्टेंसेस ये मैं जो बताया हालात के बेसिस पे मतलब हो सकता है कि इंडिया ने खर्चा किया इतना मिलिट्री पे तो बोलेंगे कि अपन की बहुत ज्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है लेकिन अपन को देखना पड़ेगा कि उस हालात में क्या जरूरत थी क्या पाकिस्तान आ गया था सर पे खड़ा हो गया था तो जरूरत थी क्या अपन बाद में हाइंड साइड पे नहीं बोल सकते कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है तो अपन को सर्कमस्टेंसेस कंसीडर करना पड़ेगा सर्कमस्टेंसेस को रिक्रिएट करके सोचना पड़ेगा तो वही सारे पॉइंट दिए हुए यहाँ पे कि प्रॉपर्टी एज अ मॉरल एलिमेंट शुड बी अ मैटर ऑफ इवेल्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस उस टाइम जो प्रिवेल हो रहा था एंड डिमांड डिस्क्रिशन एंड विजडम ऑफ टेकिंग कमर्शियल डिसीजन अंडर डायनामिक इवायरमेंट इकोनॉमिक सोशल या पॉलिटिकल जो भी तुम्हारा इन्वायरमेंट है उसको कैसे इवेल्यूएट करना है विथ रेफरेंस टू दिस सर्कमस्टेंसेस इन विच दिस वर टेकन जो डिसीजन लिया गया था उस टाइम कौन से सर्कमस्टेंसेज में डिसीजन लिया गया था वो देखना है एंड नॉट ऑन हाइड साइड बाद में होशारी नहीं करना था नहीं करना था करके एंड देयर फॉर फील्ड मस्ट रिक्रक्ट सच सर्कमस्टेंसेज एंड जजमेंट ऑफ द दर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एज अदरवाइज इट वुड डैम्पन द इनिशिएटिव ये क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट कि ऑडिटर का जजमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आप ऐसा नहीं कि ये खर्चा करा फालतू खर्चा किया ये खर्चा फालतू खर्चा किया ऐसे तो सब खर्चा तुम फालतू बोलोगे तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी कुछ इट वुड डैम्पन द इनिशिएटिव ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर्स इन टेकिंग कमर्शियल एंड ऑडिट वुड प्रूव इट बी काउंटर प्रोडक्टिव ज्यादा बीच में चेचे करोगे तो फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट पूरा ही बंद कर दे तो ये हो गए तुम्हारे प्रॉब्लम अगर आता है तो पांच नंबर के लिए तो थोड़ा बहुत याद रखना मॉरलिटी इन्वॉल्व है इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है

जो है ये क्वेश्चन में आ गया इस बार ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीओजी में क्या क्या इंक्लूड रहेगा ठीक है थीके? तो क्या क्या रहेगा इंट्रोडक्शन कंटेनिंग जनरल रिव्यू ऑन द दर्किंग रिजल्ट गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का जो रिजल्ट आ रहा है उसके वर्किंग जनरल रिव्यू देगा सीएजी अपने रिपोर्ट में तो ये चीज इंक्लूड रहेगी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस की वर्किंग रिजल्ट्स पे जनरल रिव्यू देना दूसरा रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग्स कंडक्टेड बाय द ऑडिट बोर्ड ऑडिट बोर्ड सबसे ऊपर में देखा था अपन ने आई ए डी वगैरह ठीक है तो वो जो सिलेक्ट करेगी कुछ कुछ अंडरटेकिंग उस पे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल का रिजल्ट हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल किया किस एंटिटी पे सिलेक्टेड अंडरटेकिंग्स पे किसने सिलेक्ट किया आई ऑडिट ऑडिट बोर्ड बोर्ड ने ने सिलेक्ट किया अंडरटेकिंग्स ठीक है उसके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल का रिजल्ट और डी पॉइंट देखो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ अंडरटेकिंग नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड उस उसपे भी करना है उस पर क्या देना है सिग्निफिकेंट रिजल्ट और ऊपर में क्या है रिजल्ट रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिंसिव ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग कंडक्टेड बाई बोर्ड और जिनका सिलेक्टेड अंडरटेकिंग जो सिलेक्ट नहीं की ऑडिट बोर्ड ने उसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट और लास्टली रेज्यूम देना है कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड सब्मिटेड बाईम दायरेक्शन इश्यूड बाई दी सी ए जी रेज्यूमे देना है कंपनी ऑडिटर्स का जो सीएजी ऑडिटर अपॉइंट करेगा ना कंपनी ऑडिटर को सीए को कि गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट कर भाई ओके सॉरी कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट का रेज्यूमे मतलब रेज्यूमे मतलब वही पूरा ब्रीफ में बताना सारा सबमिटेड देम अंडर द डायरेक्शन इशूड बाय द सीएजी एंड ऑफ कमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज ठीक है तो या हो गया अपना पीएसयू खत्म एक बार इसको करके आना अच्छे से ठीक है क्वेश्चन मैं कल दे दूंगा और टेस्ट है ठीक है तो मैं अभी क्वेश्चन पेपर दे दूंगा चैप्टर फोर तक चलो